यहां पे एक फैमिली बैठा है, यहां पे एक परिवार बैठा है, यहां पर कुने परिवार हुनुहुन्छ, परिवार वो ये परिवार है सिस्टर, या या पूरा पूरा हाथ, पूरा हाथ। उनके हस्बैंड कहाँ है? मनारी बाट आउनु भएको तपाईं? हाँ, यहाँ पर है। ये वो फैमिली है जो फेसबुक और यूट्यूब पे जब ये अपलोड होगा आप भी सुनिएगा। ये वो फैमिली है जो कई सालों से लिकर शॉप, दारू का बिजनेस ये करते थे। वहाँ यो एउटा परिवार हुनुहुन्छ, कति धेरै वर्षदेखि उहाँहरू चाहिँ रक्सीको व्यापार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। लेकिन जब खरी शिक्षा सुना, जब उनीहरूले खरी शिक्षा अथवा दानियल राजको वचनलाई सुन्यो, उनीहरूले अपना लिकर शॉप बन्द कर दिया। उहाँले आफ्नो रक्सीको दोकान बन्द गरिदिनु भयो। याद रखो, विश्वासी थे। याद गर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो और उसके बावजूद लिकर शॉप था, र विश्वासी भएर पनि उहाँ चाहिँ रक्सीको दोकान चलाउनु। लेकिन मसीह मन्थन के प्लेटफॉर्म से जब टीचिंग गया, जब बदल गया, मसीह मन्थन को प्लेटफॉर्म बाट उहाँले शिक्षा पाउनुभयो, उहाँको जीवन बदल्यो। तो ये भी हो रहा है और विरोध भी हो रहा है। र यस्तो पनि भइराखेको छ र अर्कोतर्फ विरोध पनि भइराखेको छ। कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कसैले लिइराखेका छन् र कसैले लिएका छैनन्। और फिर मुझे पता चला कि जीसस के साथ में भी यही होता था। र मलाई थाहा भयो कि येशूसँग पनि यस्तै हुँदथ्यो। तो जीसस को भी एक्सेप्ट करते थे कुछ लोग और कुछ लोग जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कसैले येशूलाई विश्वास गर्दथे र कसैले गर्दैनथे। लेकिन जीसस ने कभी अपना काम नहीं रोका। तर येशूले के कहिले पनि आफ्नो काम रोक्नु भएन। तो जब जीसस ने अपना काम नहीं रोका तो फिर डैनियल राज क्यों रोकेगा? जब येशूले आफ्नो काम रोक्नु भएन भने दानियल राज आफ्नो काम कसरी रोक्छ? और जब डैनियल राज नहीं रोकेगा तो रोशन, दिलीप, अशुनंदो और जितने लीडर्स और आप लोग जो जानते हैं, आप क्यों रोकेंगे? जब येशूलाई रोक्नु भएन भने, दानियल राजले रोक्नु भएन भने, फेरि रोशनले या चाहिँ जति जनी हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? आमेन। या गो हेड, आप ताली बजा सकते हैं, रिस्पोंड कर सकते हैं, और बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए जीएसटी नहीं लगता है। तपाईले बीच बीचमा टाउको हल्लाउन सक्नुहुन्छ, हात उचाल्न सक्नुहुन्छ, यसको तपाईले कुनै कर तिर्नु पर्दैन। यहाँ जीएसटी लगता है? नहीं, यहाँ पे नहीं लगता ना, मोदी साहब नहीं है ना यहाँ पे। ओके, एक इम्पोर्टेन्ट पॉइंट के साथ आगे बढ़ूंगा। एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा अथवा पॉइंटबाट हामी अगाडि बढ्ने छौं। मुझे कुछ लोगों का हेल्प होगा, इसलिए मैं आगे बुलाऊंगा, ठीक है? र मलाई केही व्यक्तिहरुको मद्दतको आवश्यकता पर्छ, त्यसैले ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि तपाईहरुलाई त्यो पिक्चर अथवा सीन चाहिँ बुझ्न सक्नु भएको। यहाँ के जो पास्टर नी है, पास्टर लेडी जो है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँको जो पास्टर नभएर पास्टर नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कहाँ है? कहाँ हुनुहुन्छ? या थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद दिदी तपाईँलाई। और हम इनके ऊपर भी बात करेंगे बाद में, र उहाँको सेवकाईको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। सो थैंक यू फर इन्भाइटिङ अस, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। और मुझे ये मंच देने के लिए और फ्रीडम देने के लिए, तपाईँले मलाई यो पुलपिट दिनुभयो र खुल्ला स्वतन्त्र दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। क्योंकि कुछ लोग पुलपिट तो देते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं देते। र कतिपय व्यक्तिहरूले पुलपिट चाहिँ दिन्छन् तर स्वतन्त्रता चाहिँ दिँदैनन्। राइट, सो थैंक यू फर द फ्रीडम, थैंक यू फर द फ्रीडम, धन्यवाद तपाईँलाई स्वतन्त्र दिनुभएको लागि। साथ साथ में चलना पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट, एक छोटा सा पॉइंट आपके बीच में रखूंगा, एउटा सानो नाटक तपाईहरुको बीचमा राख्ने छु। कुछ क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूंगा, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं बैठा हूं। केही प्रश्नको साथ हामी अगाडि बढ्ने छौं, तपाईलाई थाहा छ भने जवाफ दिनुस्, नत्र भने वहाँ बस्नुहुन्छ। जिसको हम बाइबल कहते हैं, ग्रीक वर्ड है बिब्लिया, दैट मीन्स बुक्स। जसलाई हामी बाइबल भन्छौं हिब्रूमा अथवा ग्रीक, बिब्लिया, बिब्लिया बुक्स, उसमें दो पार्ट है, ओल्ड एंड न्यू, र त्यसमा दुईवटा भागहरू छन्, पुरानो नेम र नयाँ नेम। राइट, ओल्ड टेस्टमेन्टमै 39 बुक्स, न्यू टेस्टमेन्टमै 27 बुक्स, र पुरानो नेममा चाहिँ 39 पुस्तक र नयाँ नेममा 27 पुस्तक। ऐसा करना है, अभी बोला था ना, ऐसा करना है, रिस्पोन्स, ठीक है। 39 बुक्स में जहोवा का नाम है, होली स्पिरिट का नाम है, जीसस का नाम है, र 39 पुस्तकमा यहोवा परमेश्वरको नाम छ, येशूको नाम छ र पवित्र आत्माको नाम छ। येशूका नामका मतलब है जीसस के बारेमा प्रोफेसी हुआ था, र येशूको नाम मतलब येशूको बारेमा चाहिँ भविष्यवाणी भएको थियो। होली स्पिरिट के बारेमा भी जिक्र है, र पवित्र आत्माको बारेमा पनि त्यहाँनिर जिक्र गरिएको छ। लेवी है, याजक है, प्रोफेट्स है, किंग्स है, र त्यहाँ एलियाहरू छन्, पुजारीहरू छन्, त्यहाँ भविष्यवक्ताहरू छन्। ओके, बट ओल्ड टेस्टमेन्टमा एक चीज नहीं है, वो क्या है? र पुरानो नियममा एउटा कुरो चाहिँ छैन, त्यो कुरो चाहिँ के हो?
थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना. जीसस है, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है. ब्रदर लेट मी सेंटेंस द कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने दो. जीसस है, होली स्पिरिट है, जहोवा है, लेवी है, प्रीस्ट हैं, किंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब है, लेकिन एक नहीं है. पुरानो नियममा यीशु हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ, लेवीहरू छन्, पुजारीहरू छन्, शास्त्रीहरू छन्, सबै कुराहरू छन्, तर एउटा कुरो चाहिँ छैन. त्यो चाहिँ के हो? पास्टर. पास्टर मीन शेपर्ड. तो शेपर्ड है ना सर, ओल्ड टेस्टमेंट में डेविड तो शेपर्ड ही था ना. गोठालो. हाँ, यीशु के वचन. वचन भी तो है ना सर. या डेटरनॉमी लूसीफर ने वही तो यूज किया. एवरी वर्ड कम्स फ्रॉम गॉड्स माउथ, है ना, गिव्स लाइफ. वो तो है ना, वर्ड है ना. ओके, फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकाई, उत्पत्ति से मलाकी तक आपको एक शब्द नहीं मिलेगा. उसको जीसस ने फर्स्ट टाइम अपने मुंह से किसी के सामने बोला. मैं अभी उसको रखने जा रहा हूं. उत्पत्ति देखि प्रकाशित मलाकीसम्म एउटा कुरा जुन हामी पाउँदैनौ, त्यो कुरो चाहिँ जुन येशूले पहिलो चोटि भन्नुभयो, त्यो आज तपाईहरुको बीचमा राख्ने छु. ओके, आर यू एक्साइटेड? के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ? त ऐसे क्यों बैठे हो, थोड़ा मजबूत बैठना. ओके, थोड़ा एक्साइटमेंट में बैठना, ठीक है. ओके, वो वर्ड क्या है? त्यो शब्द के हो जो ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है, जुन पुरानो नियममा छैन, त्यो शब्द के हो? जितने फेसबुक पे हैं, जितने यूट्यूब पर हैं, और ये जहां कहीं पे भी अपलोड होगा, आप भी सुनिएगा. जुन फेसबुक में हुनुहुन्छ, यूट्यूब में हुनुहुन्छ, तपाई जहां पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सुन्नुहोस्. या फोकस फोकस फोकस, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस, ठीक है ना. वो शब्द है जो ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं था, और वो जीसस के मुंह से जो पहली बार निकला, जिसने सबने सुना, उसको कहते हैं मंडली, चर्च, कलीसिया. जुन शब्द चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ ओल्ड टेस्टमेन्टमा थिएन, येशूको मुखबाट निस्किएको त्यो पहिलो शब्द चाहिँ के थियो? मण्डली थियो. तो जीसस के साथ साथ चलती है मण्डली. तो येशूको सँगसँगै हिँड्दछ मण्डली, यानी कि चर्च. आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ. र म तपाईहरुलाई एउटा डंकेको उहाँले भन्नुहुन्छ, ओपन चैलेंज है, एकदमै खुल्ला चैलेंज उहाँले गर्नुहुन्छ. जीसस की मण्डली, येशू की कलीसिया, ओल्ड टेस्टमेन्ट में से निकाल के बता दो. येशूको कलिसिया अथवा येशूको चर्च चाहिँ पुरानो नियमबाट निकालेर तपाईले बताइनुस्, यहाँनेरि चाहिँ चर्च नै बता सकते आप, त्यसको लागि खुल्ला चाहिँ नहीं बता सकते, तपाईले भन्न सक्नुहुन्न. आपको पता है, इसलिए कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिकाया करो, 19 सिकाओ, पैर के पास बैठ के सिकूंगा. यसकारण म तपाईहरुलाई भन्दछु, जसलाई 18 थाहा छ त्यसलाई 17 नसिकाउनुस्, 19 सिकाउनुस्, तपाईको खुट्टामा बसेर म सिक्नेछु. सब लोग ठीक है? सबैजना ठीकै हुनुहुन्छ? उसको कहाँ लिखा है जो जीसस के मुंह से फर्स्ट टाइम मुंह से निकला, और कब निकला वो भी बताऊंगा. त्यो कहाँ लेखेको छ? जब पहिलो चोटि येशूको मुखबाट निस्केको छ, त्यो म तपाईहरुलाई बताउनेछु. द बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 16 वर्स 18, मत्ती 16:18, मत्ती 16:18, मत्तीको 16 को 18. ओके, नेपाली 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 बाइबल निकालेर पढ्दै गर्नुस्. एकजना माइक में भी चाहिए, नेपाली में भी चाहिए. ब्राउन बैग कहाँ पर है बेटा? ब्राउन बैग कहाँ पर है? ब्राउन बैग कहाँ पर है? लेके आओ जल्दी से. चट्टान माथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन. और एक माइक लगा, लड़की को भी चाहिए. म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टान माथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्. वेरी गुड, अप्रिशिएट, बहुत अच्छा पढा. ओके, जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ, फास्ट. अपने इसमें ही लगा दे, देख कौन सा निकल रहा है वो भी देख ले. ओके, जब तक ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें, ठीक है. जब समय वाले मिलाउँदै हुनुहुन्छ, हामी यतातिर ध्यान दिनेछौं. ओके, सब लोग तैयार? सबैजना तैयार हुनुहुन्छ? ऐसे ऐसे कोनी मारो, ऐसे कोनी मारो, कुइनोले ऐसा ऐसा मारो, ऐसा मारो. बोलो, आर यू रेडी? के तपाई तैयार हुनुहुन्छ? ओके, नाउ लिखा है ब्रदर, ब्रदर मंडली, ऐसा लिखा है ना, मंडली. यसरी पढिदिनुस् त भाई. राइट, जिस मंडली भनेर. या थैंक यू. जिसको ओरिजिनल मेनुस्क्रिप्ट ग्रीक में लिखा है एक्लेसिया, र ग्रीक भाषामा त्यसलाई चाहिँ एक्लेसिया भनेर लेखिएको छ. एक्लेसिया, एक्लेसिया. ओके, एक्लेसिया का मतलब होता है पीपल ग्रुप,
people group. Check. Ekliyasa ko matlab chahi bulaiye ka athaba khit. Yeah, jahan pe log jama hote hain. Jama huni thau. Okay. Bulaiye ka. English word 16th century में आया जिसको कहते हैं चर्च CHURCH चर्च र 16 सेंचुरी में चाहिँ यो इंग्लिश शब्द अथवा चर्च भन्ने शब्द आएको र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ एक्लेसिया भनेर भनिन्थ्यो एक्ज्याक्टली और नेपाली में और हिंदी में मंडली र नेपाली र हिंदी में चाहिँ चर्च लाई मंडली भनिन्छ ओके नाउ मैं चाहता हूं कि मुझे दो लोग चाहिए और उसके लिए किसको उठाऊ मैं सोच रहा हूं मलाई दुई जना व्यक्तिहरु चाहिन्छ त्यसकारणले म सोचिराखेको छु चाहिँ म कसलाई उठाऊ भनेर या यु कैन यूज दैट आशो नंदो जी आइए सर आप आशो नंदो जी तपाई आउनुस आज आपको जीसस बनाएंगे आज तपाईलाई हामी येशु बनाउने छौ नाटकमा है फेरि या उसको हेल्प करो नथानियल उनको हेल्प करो कम आज आप जीसस बनेंगे ओके तो सब लोग तैयार कि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ओके बहुत ध्यान से सुनना फोकस करना ठीक है ना जीसस के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में जिक्र है र येशूको बारेमा पुरानो नियममा पनि उहाँको बारेमा चाहिँ जिक्र गरिएको छ लेकिन मण्डलीको बारेमा ओल्ड टेस्टमेन्टमा कोही जिक्र नै तर मण्डलीको विषयमा भने कहीँ पनि हामी पुरानो नियममा पाउँदैनौ ऐसा करना है अगर आप एग्री है तो ऐसा करना है राइट तपाई सहमत हुनुहुन्छ भने टाउको हल्लाइदिनुस या तो जीसस के बारेमा लिखा है तर येशूको बारेमा लेखिएको छ कम 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 वाओ ये किस योर मैरिड आप शादीशुदा है हाँ शुक्र है फिर आ जाओ तो नहीं तो इनका हस्बैंड नाराज हो जाएगा ओके समझाना ये क्या क्या नहीं हाँ हाँ सिस्टर हियर स्टैंड हियर ओह सॉरी दीदी बहनी 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 ओके हाँ हमको आदत हो गया बोल बोल के ओके जीसस और मंडली र येशु र चर्च अथवा ये कौन है ये कौन है वहां से क्यों जोर से ये है मंडली मंडली तो इसके बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं लिखा है तर मंडली को बारे में पुरानो नियम में लेखेको छैन इसके बारे में लिखा है तर येशू को बारे में पुरानो नियम में लेखेको छ ये कहाँ थी र मंडली त्यतिखेर कहाँ थियो हव्वा कहाँ थी हव्वा ईव कहाँ थी हव्वा कहाँ थी कहाँ थी आदम के अंदर कहाँ थी हवा कहाँ थी त्यतिखेर आदम भित्र थियो आदम के अंदर आदम भित्र मंडली कहाँ थी महा मंडली कहाँ थियो दूसरे आदम के अंदर र वहाँ पनि आदम यू अंडरस्टैंड यू बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु यीशु कहता है र येशूले भन्नुहुन्छ जिस दिन पृथ्वी पे मैं आऊंगा मैं अपने साथ में मेरी मंडली को लेकर आऊंगा येशूले भन्नुभयो जुन दिन म पृथ्वीमा आउँछु त्यो दिन म आफ्नो मंडली साथमा लिएर आउँछु एग्री कन्फर्म ठीक है आप लोग समझ रहे हैं तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ आप कहाँ थे तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो आप जीसस के अंदर थे येशु भित्र हुनुहुन्थ्यो ईव कहाँ थी हवा कहाँ थी आदम के अंदर अंदर तो आदम को लगा मैं अकेला हूँ आदम ले लागेको थियो कि म एक्लै छु परमेश्वर ने बोला तेरे अंदर से एक औरत निकलेगी र परमेश्वर ले भन्नुभयो त भित्रबाट एउटा स्त्री निस्किनु हुन्छ बहुत ध्यान से सुनो एकदमै ध्यानसँग सुन्नु होला माता यरुशलेम मदर जेरुसलेम पागल नहीं बनाना लोगों को माता यरुशलेम ना तपाई योगा विग्नेश यसरी चाहिँ पागल नबनाउनु होस् ये सिम्बोलिक है यो एउटा चाहिँ सिम्बोलिक अथवा चिन्ह है क्योंकि आदम और हव्वा को बनाने का पर्पस यही था क्योंकि एक दिन परमेश्वर को पता था कि मैं इसके अंदर से किसके अंदर से यीशु के अंदर से मंडली निकालूंगा इसलिए उसने एक डेमो दिया था आदन आदन का बगीचा में डेमो र परमेश्वरलाई थाहा थियो कि एक दिन आदम र हव्वा को भित्रबाट मण्डली निकलिन्छ त्यसकारणले उहाँ एउटा चिन्हको रूपमा दिनुभयो चिन्ह डेमो 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 समझते सबसे पहला गाड़ी नहीं आती है गाड़ी का डेमो आता है सबैभन्दा पहिला गाडी आउँदैन गाडीको एउटा डेमो सबसे पहिला चर्च नहीं बनता है उसका स्ट्रक्चर बनता है सबैभन्दा पहिला चर्च माथि बिल्डिङ बन्दैन त्यसको फाउन्डेसन बन्छ तो आदम और हव्वा जीसस का और चर्च का डेमो है त्यसकारणले आदम र हव्वा चाहिँ मण्डलीको डेमो हुनुहुन्थ्यो यू अंडरस्टैंड बुझ्दै हुनुहुन्छ और थप जाकर पता चला ओहो सब लोग बोलो ओहो तर तपाईले सोच्छ ओ ये तो येशू के अंदर है ओ ये तो येशू भित्र थियो यू अंडरस्टैंड बुझ्दै हुनुहुन्छ बहुत ध्यान से सुन्न एकदम ध्यान से सुन्नु होला येशू ने मंडली को अपना क्या कहा येशू ले मंडली लाई आफ्नो के भनेर भन्नुभयो माइक दो जल्दी माइक दो जोर से माइक दो
मैं कौन करूं? दुलही दुलही बोलो दुलही 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 दुल्हन हिंदी शब्द ब्राइड ब्राइड इंग्लिश वर्ड सब लोग ठीक है ठीक है उन्होंने सब जाना आप लोग रिस्पांस नहीं करेंगे तो मैं जा रहा हूँ यदि तो पहले हाथ अलड़ाने वाले ना टाव को अलड़ाना सहभागी जनाने वाले ना बहुत सही जानी शुरू होने वाले थोड़ा रिस्पांस चाहिए तो फिर से कहता हूँ तो फिर ही बनी वो भानी शु जीसस ने यीशु ले अपनी कलीसिया को अपनो मंडली को या दुल्हन यानी कि दुल्हाई तो इसका मतलब है इसको अर्थ हो अगर इसको कोई टच करेगा आफ्नो दुलाईलाई कसैले छुन्छ भने तो जीसस को टच किया जैसा उसले येशूलाई छुएको जस्तो अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा यदि मण्डलीलाई कसैले नुकसान पहुंचाउँछ भने जीसस को नुकसान पहुंचाएगा यसले येशूलाई हानि गरेको हो और ये मण्डली कौन है र यो चर्च को हो ये 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 मण्डली तपाईहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु हुनुहुन्छ म हुँ भनेर भन्नुस् म हुँ भन्नुस् सबैजनाले ओके मिनल गेट फास्ट मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स One Matthew one one Matthew one one, one. Mati okay. Eko ek Mati eko ek Okay Matthew 1:17 pehla 17 Mati 17 satra ko ek satra ek satra ek satra Mati ek satra Sister is 2 minute Haan is prakar Abraham ne Daud tak 14 pidi hui aur Daud se Babylon ko bandi hokar pahunchaye jane tak 14 pidi aur bandi hokar Babylon ko pahunchaye jane ke samay se masi tak 14 pidi hui okay 14 14 14 la 14 14 14 total kitna hota hai 14 into 3 kitna hota hai 42 but मैं गारंटी देता हूं आप चैप्टर 1 का 1 से 16 तक काउंट करो यू विल नॉट फाइंड 42 यू विल फाइंड ओनली 41 र तपाईले यदि पढ्नु भयो भने देखि त्यहाँ 42 नभएर 41 मात्रै अथवा 42 नभएर 41 मात्रै अभी मत गिनो अभी मत गिनो नहीं तो मेरा टाइम जाएगा आप घर पर जाकर आराम से गिन लेना अहिले नगर्नु होला तर घर में गएर तपाईले विस्तार पूर्वक हेर्नु होला ओके अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे फोन करना तपाईलाई यदि त्यस्तो कुनै डाउट छ भने मलाई फोन गरेर अभी मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा इनके पास से मिल जाएगा र वहाको नम्बर मसँग बाट पाउनु तो 42 जनरेशन कहाँ था र 46 42 जनरेशन कहाँ था त 42 पुस्ता त्यति बेला सम्म कहाँ थियो वो 42 जनरेशन कौन है त्यो 42 पुस्ता को फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 नहीं पढ्ना बस सुनो खाली फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 पहिलो पत्रस दुई को नौ नौ पढ़ना पड़ता है वहाँ पर लिखा है कि वी आर द चोजन जनरेशन हिंदी बोलो अच्छा ठीक है वो चुना हुआ जनरेशन आप और मैं है सर ट्रांसलेट हाँ इसको चाहिए पुस्ता हम तो पाई रहा हम ही हूँ तो इसका मतलब है कि वो चुना हुआ वंश आप और मैं है तो चुनिए को वंश से तो पाई रहा मैं हूँ ओके नाउ अभी तक ठीक है अगले समय तो पाई ठीक है उन्होंने हम कहाँ थे हम ही कहाँ थे हूँ हम इस कलीसिया कहाँ थी कलीसिया कहाँ थी यीशु में यीशु में जो इसको तकलीफ करेगा यीशु को तकलीफ करेगा जसले चर्च लाई दुख पुर्याउँछ भन्दि कि त्यसले यीशु लाई दुख पुर्याउँछ होल टेस्टमेंट में कलीसिया नहीं है पुरानो नियम में कलीसिया छैन लेकिन न्यू टेस्टमेंट में यीशु अपनी कलीसिया को लेकर आ रहा तर नया नियम में यीशु ले आफ्नो चर्च लिएर आउनु भयो ओके अभी तक ठीक है अहिले सम्म तपाई ठीकै हुनुहुन्छ ओके नाउ डेंजर पॉइंट एक आ गया एउटा अलि खतरनाक डेंजर खतरनाक पॉइंट आएको छ ऐसा पूछो वो डेंजर क्या है यसरी भन्नुस् त्यो डेंजर के हो भनेर जान्न चाहते हैं सबैले जान्न चाहते हैं जान्न चाहनुहुन्छ किसको बुलाऊं क्योंकि कसलाई बुलाऊं तो यहां पर आ गया है क्या करें ओके दिलीप आप आ जाओ आज आपका पोस्टमार्टम है कम दिलीप या दिलीप भाई अगाडि आउनुस् तपाईको आज सॉरी दीपक नॉट दिलीप सॉरी माफ करना दे मैं मिस्टेक कर लिया इसको कहते हैं शैतान इसलिए भनिस शैतान नाटक में है बाद में समझा देना ये है शैतान नाटक में वहां एक शैतान डेनियल कहां लिखा है कि डेंजर है चर्च को डेंजर कहां लिखा है आप मैथ्यू 16 को 18 को फिर पढ़ो आपको पता चलेगा मैथ्यू 16 18 फिर पढ़ो बस मत्ती को 16 को 18 म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरु त्यसमाथि विजय हुने छैनन् सी अब हिन्दी और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे ओके नाउ यहां पे दो बात है यानी रे दुईटा कुराहरु छन्
रोशन जी बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दो बात है, यहाँ दुईटा कुरा जीसस कहता है आई विल बिल्ड माय चर्च एंड द गेट्स ऑफ द हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट। यहाँ दो बात है, यीशुले भन्नुहुन्छ, ओके ओके हिंदी में आ रहा हूं, यीशु कहता है कि अपनी कलीसिया यीशु की कलीसिया यीशु बनाएगा, ऐसे करते रहना यीशु बनाएगा। दूसरा पॉइंट है कि लुसिफर को इसके ऊपर प्रबल होने नहीं देगा। यीशुले भन्नुहुन्छ कि म आफ्नो कलीसिया यो माथि बनाउँछु र शैतानलाई चाहिँ यो माथि प्रबल हुन दिने छैन। आप पढ़ सकते हैं, यू कैन चेक दैट, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ो, आप पहले नेपाली में पढ़ो। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु, स्थापित गर्छु र नरकका ढोकाहरु, बस बस बस, फर्स्ट पॉइंट अभी आ रहा है, सेकंड पॉइंट नरकका ढोका, त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। तो दो बात है, एक आई विल बिल्ड माई चर्च, सेकेंड द गेट्स ऑफ द हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट। हिंदी, हाँ ऑफ कोर्स। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक सेकेंड, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी, वेट 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 वेट, अभी तो पंच आया नहीं है, मैं बनाऊंगा। तो जीसस कहता है, आप लोग को समझना होगा, जीसस कहता है मैं बनाऊंगा चर्च, तो यीशु भन्नुहुन्छ म चर्च बनाउँछु। डैनियल नहीं बनाएगा, डैनियल ले बनाउँदैन, सिस्टर नहीं बनाएगा, कल्पना सिस्टर ले बनाउँदैन, रोशन नहीं बनाएगा, रोशन ले चर्च बनाउँदैन, यहाँ जितने पास्टर्स बैठे वो नहीं बनाएगा, यहाँ जति जना पास्टर हुनुहुन्छ तपाईले चर्च बनाउनुहुन्न, ये जो चर्च है इसको कौन बनाएगा र यो चर्चलाई कसले बनाउने हो? जीसस, यीशुले, 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 मेरा चर्च कौन बनाएगा र मेरो चर्च कसले बनाउनुहुन्छ? यीशुले, यीशुले, मसीह मंथन को कौन बनाएगा? मसीह मंथनलाई कसले बनाउँछ? पास्टर का चर्च लास्ट वीक ओपनिंग हो गया, इनका चर्च कौन बनाएगा? यीशुले। आप नहीं समझा बेबी, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, सीएनआई, आपका जितने भी डिनोमिनेशन है, 3,000 to 4,000 डिनोमिनेशन, इन सब को जीसस बनाएगा। जति पनि 3,000 देखि 3,500-4,000 जति पनि संस्थाहरू छन् त्यो सबै यीशुले बनाउनु भएको। कमान कमान, आप जब वर्शिप कर रहे थे, जब तपाई आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरे को वो नहीं मिल रहा है, आप जब वर्शिप कर रही थी ना, तो आपने यहाँ पर जीसस को ऊंचा उठाया। जब तपाई आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो तो यहाँ पर तपाईले यीशुलाई उठाउनु भयो। डैनियल को ऊंचा नहीं उठाया, डैनियल माथि उठाउनु भएन, पास्टर को ऊंचा नहीं उठाया, पास्टर कल्पनालाई उठाउनु भएन, जीसस को ऊंचा उठाया र यीशुलाई उठाउनु भयो। आपने जब चर्च बनाया था ब्रदर, र तपाईले चर्च बनाउनु भएको थियो, तो आपने ये नहीं सोचा था कि मैं संस्था का रूल लाऊंगा, आपने कहा नहीं मैं जीसस का रूल लाऊंगा। त्यहाँ जब चर्च बनाउँदै त म संस्थाको नियम हैन तर येशूको नियम ल्याउने छु। वो वर्शिप हो तो जीसस के तरीके से, प्रीचिंग हो तो जीसस के तरीके से, टीचिंग हो तो जीसस के तरीके से, चर्च का ए टू जेड सिस्टम जीसस के तरीके से। चाहे त्यो स्तुति प्रशंसा हो त्यो येशूको जस्तै, चाहे त्यो शिक्षा हो, चाहे त्यो प्रचार हो, जे गर्दा पनि हामीले येशूको तरिकाले गर्नुपर्छ। यस ओर नो, हो अथवा होइन, यस ओर नो, हो अथवा होइन, पडोस वालेको कोनी मारो, बोलो आर्यना, छिमेकीलाई कुइनो मार्नुस्, उसको बोलो आर्यना बात समझ में, और सोध्नुस तपाईले बुझ्नु भएन। यहाँ जितने भी सेवक बैठे हैं, जति जना पनि सेवक बस्नु भएको छ, आप एक बार खुद को चेक करो, एकपल्ट आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस्, अगर आपका मण्डली, यदि तपाईको चर्च, आपका मण्डली, तपाईको मण्डली, अगर इसके हिसाब से नहीं चल रहा है, अरे येशूको त हिसाबले चलेको छैन भने, here comes the second point, यहाँ पे आ रहा दूसरा पॉइंट, यहाँ निरे अर्को दूसरा पॉइंट आउने छ, अगर आपका मण्डली जीसस के हिसाब से नहीं चलेगा तो आपका मण्डली शैतान के हिसाब से, यदि तपाईको मण्डली येशूको हिसाबले चलेको छैन भने तपाईको मण्डली शैतानको हिसाबले चलेको हुन सक्छ। ऐसा मारो, सबै जनाको मुख बन्द हुन्छ, यस ओर नो, हो कि होइन त, कम ऑन स्पीक, यस ओर नो, बुझ्नुहोस् हो कि होइन, अगर जीसस के हिसाब से नहीं चल रहा है, यदि येशूको हिसाबले चलेको छैन भने तो फिर किसके हिसाब से चलेगा, तो फिर कसको हिसाबले चलेको छ? शैतानको हिसाबले। ये आदमी क्या करेगा पता, शैतान के गर्ने छ, इसको अच्छे से पता है कि ये कौन है, र यसलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ कि यो मण्डली, इसले लिखा है, इसकाले लेखेको छ, I will build my church and the gates of the hell will not prevail again। इसके ऊपर अंधकार का ताकत राज नहीं करेगा। एक मिनट, अगर ये यीशु के हिसाब से चलेगा तो, यदि मण्डली यीशुको हिसाबले चलेको छ भने अंधकारको ताकत चाहिँ त्यो माथि प्रबल हुने छैन। यस, थैंक यू।
तू विवेक का भाई है रे, बहुत सुस्त है ये। आपको पता है एक बंदर होता है, बंदर में भी दो तीन टाइप होता है। एक बंदर होता है सटाक से आता है, एक बंदर होता है जो धीरे से आता है। बंदर पंडित एक प्रकार के होते हैं, ये उसी प्रजाति का है। आप मेरे साथ में तपाईहरु मसँग हुनुहुन्छ, आपको ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट तपाईले बुझ्नु भयो क्या? कलिसिया ओल्ड टेस्टमेंट में था कि चर्च मण्डली पुरानो नियममा थियो त? क्यों किन? क्योंकि कलिसिया यीशु के अंदर था। किनकि त्यतिखेर मण्डली चाहिँ यीशु भित्र थियो। जैसे हवा आदम के अंदर थी, जसरी हवा चाहिँ आदम भित्र थियो, त्यसैगरी मण्डली चाहिँ यीशु भित्र थियो। और परमेश्वर ने कहा कि आदम के अंदर से, र परमेश्वरले भन्नुभयो कि आदम भित्रबाट हवाको निकालूंगा, हवालाई निकाल्नेछु। वैसे मण्डली को जीसस के अंदर से निकालो, त्यसै गरेर चर्चलाई चाहिँ यीशु भित्रबाट निकाल्नेछु। वाओ, सी ओके पास्टर डेनियल, वी वांट प्रूफ। र पास्टर डेनियल त्यसलाई प्रमाणित गर्नुस्। आपको प्रूफ दे दूं? तपाईलाई प्रमाण दिऊ? ऐसे करो। हां दे, हां यस्तो गर, थैंक यू। ये इसको बोलते जबरदस्ती, यसलाई भनिन्छ जबरदस्ती गराको। उत्पत्ति Genesis chapter 2 verse 7. Genesis chapter 2 verse 7. उत्पत्ति आज तेरे को चाय पिलाऊंगा मैं। पढ़ो उत्पत्ति 2:7 और उत्पत्ति 2:7 पहला नेपाली फिर हिंदी। तब परम प्रभु परमेश्वरले भूमि को माटो बाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाक में जीवन को सांस फुकी दिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। फुकी दिनु भयो फुक दिया। पढ़ो, नेपाली सीख रहा हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इधर देखो इधर नस फूक दिया, फूकी दिनो वो। नथानियल कम फास्ट इधर लेट जा ऐसा लेट जा लेट जा फूक दिया, फूक दिनो भयो। तो जब तक नहीं फूका था आदम ऐसा नहीं लेटता, हाथ नीचे कर। जबसम्म फुक्दैन थियो आदम यसरी सुत्दैन थियो। ओके, तो आदम था वो जब तक नहीं फूका डेड। जबसम्म आदमलाई फुकेको थिएन तबसम्म मट्टी माटो थियो, मरेतुल्ल थियो। आदम क्या था? मट्टी थियो, माटो थियो। जब आदमलाई फु गरेर फुक्नु भयो परमेश्वरले, आपको भी ऐसे करना। सी, तो जैसे फुका, जैसे फुक्नु भयो, क्या बात है, आदम जिंदा, आदम जिंदा जिउँदो भयो। ये देखो, आदम जिंदा, आदम जिउँदो भयो। आपको नहीं पता और इसको भी नहीं पता, ये भी आदम की औलाद है। तपाईलाई पनि थाहा छैन, यसलाई पनि थाहा छैन, तर यो पनि आदमकै वंश हो। आपको पता है क्यों? तपाईलाई थाहा छ किन? उसका बाप भी आदम की औलाद है। किनकि उसको बुवा पनि आदमको नै वंश हो। जो ट्रान्सलेट कर रहा है वो खुद भी आदम का औलाद है। जसले अनुवाद गरेको छ त्यो पनि आदमकै वंश हो। इसको छोड़ के अब मेरे साथ में फुका फुक्नु भयो। आपने इसको पहले पढ़ा था, यसलाई तपाईले पहिला पढ्नु भएको थियो के? परमेश्वरले on the sixth day, परमेश्वरले उहाँले छ दिनलाई फुक्नु भयो। आपको पता है जीसस ने भी फुका, र येशूले पनि फुक्नु भयो। तपाईलाई फुका कहिले फुक्नु भयो? जब येशू जी उठा, जब येशू बौरी उठ्नु भयो। आइए पढ्ते हैं द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 22, योहन्ना 2 को 2022 नेपाली फिर हिंदी, पानी इसने खत्म कर दिया। तब यहूदीहरूले भने यस मन्दिरलाई निर्माण गर्न 46 वर्ष लाग्यो र के जॉन चैप्टर 20 वर्स 22 जॉन योहन्ना 20 को 22 योहन्ना 20 को 22 जी। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याओ। ओके, वहाँ लिखा फुका, वहाँ लिखा है ना, त्यहाँ लेखेको छ कि फुका र पवित्र आत्मा ल्याओ। हिंदी यीशु ने यह कहकर यीशु ने उन पर फुका। बस, तो उत्पत्ति में फुका, न्यू टेस्टमेंट में भी जोर से फुका, सब लोग बोलो फुका। उत्पत्तिमा पनि फुकिनु भयो र नयाँमा पनि फुक्नु भयो। जब आदम के अंदर फुका तो आदम जिंदा,
जसरी आदमलाई भित्र फुक्यो र आदम चाहिँ जिउँदो भयो यीशुले मण्डलीमा भी फुका त्यसै गरेर यीशुले मण्डलीलाई पनि फुक्नु भयो ताकि जीवित होस् भनेर शुक्रिया शुक्रिया बस 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 यीशुले कहा कि मैं मण्डली को जन्म दे रहा हूं र यीशुले भन्नुभयो म चर्चलाई चाहिँ जन्म दिदै छु जैसे आदम को जन्म दिया वैसे मण्डली को जन्म दिया जसरी आदमलाई जन्म दिनुभयो फुकेर त्यसरी नै मण्डलीलाई पनि फुकेर जन्माउनु एक सेकेन्ड कभी सोचा था कि जीसस ने जिन्दा होते फुक क्यों मारी कहिले सोचेका थियौ कि येशूले जिउँदो भएर किन फुक्नु भयो होला आप जिन्दा हो गए चाय पियो कफी पियो तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ चिया खानुस् कफी खानुस् आप चेलो से बात करो चेलाहरूसँग कुरा गर्नुहोस् आप डाइरेक्ट आते हैं फुक देते हैं सिधै आउनुहुन्छ र फुकिदिनुहुन्छ यसको कहते हैं अंदर की बात र यसलाई भनिन्छ भित्री कुरा यसको कहते हैं अंदर की बात इधर आ बेटा यसलाई भनिन्छ कि भित्री कुरा यहाँ खड़ा रहो ये है आदम र वहाँ हुनुहुन्छ आदम फुका र वहाँलाई फुक्यो ये है मण्डली र वहाँ हुनुहुन्छ चर्च इसमें भी फुका यसले पनि फुक्यो यसको किसके मुताबिक चलना था र आदमलाई कसको उसमा चल्नु हिँड्नु पर्ने थियो छोड़ से परमेश्वर को क्या ये चला कि परमेश्वर को इच्छा अनुसार हिड़ियो इसको किसके मुताबिक चलना है इसलिए कसको इच्छा हमारे चलने पड़ने थियो यीशु को क्या ये चल रही है ये यो चल रही था 90% नहीं चल रही है 90% आज चर्चहरु यीशु को इच्छा अनुसार चल इसको किसने बिगाड़ा र आदमलाई कसले बिगाड्यो शैतान इसको किसने बिगाड़ा आदमलाई कसले बिगाड्यो कैसे आया कैसे आया कसरी आयो कसरी आयो इसके पास कैसे आएगा र मण्डलीको सँग कसरी आउँछ सेकेन्ड कोरिन्थियन्स चैप्टर 11 वर्स 3 दूसरा कोरिन्थियो 11 का 3 दूसरा कोरिन्थियो 11 को 3 बाप रे मण्डलीलाई शैतानले कसरी बिगार्यो या पढो 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 नेपाली लो तर तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ स्त्रीको शिर पनि सेकेन्ड कोरिन्थियन्स चैप्टर 11 वर्स 3 दोस्रो कोरिन्थियो 11 को 3 तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हब्बालाई छल्यो त्यसरी नै ख्रिस्ट प्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू ब्रह्ममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ बस तो वहां सांप है र यहाँ सांप छ अरे बाप रे वो भाई साहब को सांप नहीं दिख रहा है आपको सांप नहीं दिख रहा है वहां पे पढ़ो पढ़ो वापस पढ़ो फिर पढ्नुस् त तर जसरी सर्पले आफ्नो सर्प बस 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 सर सर्प है शुक्रिया धन्यवाद अदन के बगीचे में कौन आया अदन को बगीचे में क्या आयो किसको बिगाड़ा किसको बिगाड़े आदम को क्यों बिगाड़ा आदम लाई किन बिगाड़े क्योंकि आदम का ड्यूटी था जीसस के मुताबिक यहोवा के मुताबिक चले इसलिए नहीं चला लूसीफर ने खत्म र आदमको ड्युटी थियो कि यो परमेश्वरको बाट चल्नु पर्ने जसै शैतानले यसलाई चाहिँ बिगारिदियो पौलुस कहता मैं डरता हूं र पौलुसले भन्छ म डराउँछु के जैसे हवा फस गई जसरी हवा फस्नु भयो किसके चक्कर में कसको चक्कर में फोकस 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 किसके चक्कर में कसको चक्कर में सांप के चक्कर में सांप को चक्कर में ये सांप कौन है यो सांप को लूसीफर लूसीफर शैतान तो अभी इसको भी फसा सकता है और अहिले मण्डलीलाई पनि फसाउन सक्छ यस मण्डली और ये मण्डली कौन है र यो मण्डली को ऐसे हाथ करो हाथ उठाउनुस ऐसे ऐसे करो ऐसे आफूलाई देखाउनुस आप है मण्डली तपाई हुनुहुन्छ मण्डली बाप रे सुनो अच्छा लगेगा ल सुन्नुस तपाईलाई राम्रो लाग्ने छ आदम अदन के बगीचा में सांप को लेकर केयरलेस था या फिर होशियार र आदम चाहिँ अदन को बगीचा में सांप लाई लिएर केयरलेस मतलब हेलचेक्राई मा थियो या सतर्क थियो अरे चलता है ऐसा था ना अरे ठीक है भइहाल्छ साँप पनि ओके 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 ऐसा भयो ठीक छ साँप पनि बसौँ ऐसा था यू अंडरस्टैंड बुझ्दै हुनुहुन्छ कभी प्रभु को सुनता था कभी नहीं सुनता था कहिले परमेश्वरलाई सुन्दथ्यो र कहिले सुन्दैनथ्यो लुसिफर वेट कर रहा है र लुसिफर शैतान चाहिँ पर्खी बसेको थियो तुम जैसे ढिला पडेंगे जसरी तिमी चाहिँ एकदमै खुकुलो हुँदै जान्छौ मैं अटैक करूंगा र म आक्रमण गर्नेछु
तो आदम से सबक सीख सकते हैं र आदम बटा हमें ले कई कुरा सीखना सकते हैं अगर ये फंस सकता है यदि आदम फंसन सकता बने लुसिफर आदम को नहीं छोड़ा लुसिफर ले सैतान ले आदम ले छोड़े ना तो फिर मंडली को छोड़ेगा कि त्यसो भए चर्च लाई मंडली ला छोड्छ त और मैं आपको प्रूफ दे दिया हूं कि त मैले तपाईलाई प्रमाण दिए वचनबाट कम ऑन सपोर्ट करो यस और नो र तपाईले मलाई सपोर्ट गर्नुस् यो अथवा हैन तो मंडली को केयरलेस रहने या होशियार र मंडली लाई हेलचेक्राई गर्नु छ कि सतर्क रहनु छ प्लीज प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इसका जवाब दो जवाब दिनुहोस् तपाईहरुले क्या आज इंडिया का चर्च नेपाल का चर्च अफ्रीका का चर्च अमेरिका का चर्च दुनिया का चर्च केयरलेस कितना परसेंट है और होशियार कितना परसेंट है बता सकते हैं राज इंडिया को चर्च नेपाल को चर्च अफ्रीका को चर्च अमेरिका को चर्च अथवा कति हेलचेक्राई गरिराखेका छन् र कति सतर्क छन् के तपाई बताउन सक्नुहुन्छ कति पर्सेंट होशियार कति पर्सेंट होशियार छन् 10% ओके 10% 10% रखते हैं 10 ठीक है 90% क्या है तो 90% के भइराखेका छन् केयरलेस केयरलेस भइराखेका छन् ओके हेलचेक्राई गरिराखेका छन् जो इनका ड्राइवर है जो वहाको ड्राइवर हुनुहुन्छ वो है यहां पे वहां हुनुहुन्छ हां वहां पर है कहां पर है ओके बाहर गया उसको पूछो आलम को पूछो यदि आलमलाई सोध्नु भयो भने आपको गाड़ी चलाते वक्त में क्या तकलीफ हो रहा है र तपाईलाई गाड़ी चलाउँदा के समस्या छ भनेर वो कहता है आगे का टायर ऐसा ऐसा हो रहा है र वो भन्ने छ अगाडिको टायर हल्ली राखेको छ दोनों टायर ऐसा ऐसा हो रहा है दुईटै टायर हल्ली राखेको छ उसको कहते हैं व्हील अलाइनमेंट करना जरूरी है र उसलाई चाहिँ फेरि यसरी टाइट गरेर कस्न आवश्यक छ ठीक गर्न जरुरी है उसलाई ठीक गर्न आवश्यक छ अगर टायर ऐसा ऐसा हो रहा है यदि टायर हल्ली राखेको छ भने गाडी ठीक से चलेगा गाडी ठीक सँग चल्न सक्छ आज चर्च का दोनों टायर ऐसा हो रहा है अरे अहिले चर्च को मण्डली को दुईटै टायरहरु चाहिँ यसरी हल्ली राखेको छ तो चर्च ठीक से चलेगा तो चाहिँ के चर्च ठीक सँग हिड्न सक्छ कम ऑन बोल्नुस् नाउ लिसन दिस अभी सुनोस् हला अहिले सुनोस् लुसिफर कम अप सिस्टर पीछे जाओ नथानियल बैठ जाओ लुसिफर चर्च में आ सकता है शैतान चर्च में आउन सक्छ आपने पहले ऐसा किया था फिर बाद में पार्टी चेंज किया सिवाइल पहले इस तो बनवा दे पाछी फिर ठीक ठाक मानो लुसिफर चर्च में आ सकता है शैतान चर्च में आउन सक्छ फेसबुक वालों यूट्यूब वालों अगर मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन हो तो अभी मेरा वीडियो छोड़ दो र फेसबुक में यूट्यूब में जति पनि दूधलाई पिउँदै गर्ने क्रिश्चियनहरु हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई छोड़ दिनुस् अगर होशियार हो तो फिर देखो अरे सतर्क हुनुहुन्छ भने मलाई हेर्नुस् मैं फिर पूछ रहा हूं क्या लुसिफर चर्च में आ सकता है फिर भी म सोध्दै छु कि लुसिफर शैतान चर्च में आउन सक्छ आपका वर्शिप लीडर को डिस्टर्ब कर सकता है आपको आराधना को अगुवालाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ आपका पास्टर को डिस्टर्ब कर सकता है तपाईको पास्टरलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ जोर से जोर से भन्नुस् मुझे डिस्टर्ब कर सकता है यानी कि पास्टर दानियल राजले पनि डिस्टर्ब गर्न सक्छ इनका प्यार है इसलिए बोल रही नहीं कर सकता लेकिन फैक्ट यह है कि ये मेरे को भी डिस्टर्ब कर सकता है र वहाले विश्वास हो गर्न सक्दैन तर ओके कैंसिल इनको समझाना हां थैंक यू अच्छा अब इनके लिए एक एग्जांपल देना पड़ेगा र वहाको लागि एउटा उदाहरण दिन आवश्यक लुसिफर ने जीसस को डिस्टर्ब किया शैतान ले येशूलाई डिस्टर्ब गर्यो अगर वो जीसस को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज है अरे वो येशूलाई छोडेन भने म चाहिँ कुन चाहिँ कुरा हो रहा यू अंडरस्टैंड ये तो बुझ्दै हुनुहुन्छ वापस कहता हूं शैतान अंदर आ सकता फिर पनि म भन्दै छु शैतान आउन सक्छ ओके इसका अंदर आने का काम क्या है मतलब पर्पस क्या है व्हाट इज द पर्पस र शैतान चाहिँ चर्च भित्र आउनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो गरम हो रहा है हावा खाके चला जाएगा ऐसा है गरम भएको थियो बाहिर र घुम्दै फिर्दा हावा खाएर बाहिर जाने हो इसका पर्पस क्या अंदर आने का इसको भित्र आउनुको कारण के होला उद्देश्य परमेश्वर देखि अलग गर्नु परमेश्वर से दूर करना कैसे कसरी ये आकर क्या करेगा क्या परमेश्वर से दूर हो जाओ कि यो आएर बिताएर के भन्छ कि परमेश्वर देखि तिमी टाढा भयो किसने बोला बहकाएगा सही जवाब कैसे बहकाएगा बहकाउने छ कसले भन्यो भनेर भन्छ किसको लेके झूठ बोलेगा मेरे को जब तक नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ेगा कुछ ही कुरा लगी रचन बोला उसा यू अंडरस्टैंड उसको क्या नहीं अच्छा लगता है उसको क्या नहीं अच्छा लगता उसलाई के चाहिँ राम्रो लाग्दैन त परमेश्वर को महिमा परमेश्वर का महिमा किससे होता है परमेश्वर को महिमा को द्वारा हुन्छ मेरे को जब तक वो पॉइंट नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ेगा ओके कैंसल मेरे पास में टाइम नहीं है मैं बता देता हूं लुसिफर जीसस के पास आया शैतान यीशु बाटो में आयो लुसिफर ने क्या यूज किया लुसिफर शैतान ने केलाई प्रयोग गर्यो बस बस बच्चा वचन वचन वो सबसे ज्यादा गड़बड़ किधर करेगा सबैभन्दा गड़बड़ी लुसिफर ने कहाँ गर्ने रहेछ बाइबल 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 दो बाइबल दो
ये इसमें गड़बड़ करेगा, बाइबल में गड़बड़ करता सुना। वो कहेगा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बोलो ऐसा लिखा है। हाँ तो लुसिफर ले बनी था, इस तो लेखे को था, इस तो लेखे को था, इस तो लेखे को था। लेकिन यीशु क्या करता है? तर यीशु लिख के करना था। जिसको वो दिखाता है उसको कॉन्टेक्स्ट में ठीक करके बोलता है ऐसा भी लिखा है। जुन से उसले देखा है कुछ है, यीशु ले इस तो करना था, तेला संदर्भ में देखा रहा इस तो पनी लेखे को था। अभी दो तीन पॉइंट देता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मैं दो तीन पॉइंट और दिन तो पहले धेरे राम लगने दे सकता हूँ दिन सकसु। ओके जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। आप लोग ने फस गया, वहाँ भन्नभ जतिजना सुती रहने वाक वहाँ हलेलुया भन्नुहोस्। आप भी डायलॉग मार दो। ओके जितने लोग सुन रहे हैं जोर से हालेलुया। जति सुनने हालेलुया। एक अच्छी ताली बजाए प्रभु के। ओके मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके मैं उदाहरण दिनेछु। हुन्छ सब लोग तैयार? सब जना तैयार हुनुहुन्छ? ब्लेसिंग आशीष, ब्लेसिंग मिरेकल्स प्रोस्पेरिटी, ये आशीष चमत्कार उन्नति ये सब बाइबल में है। आशीष चमत्कार चिन्ह आश्चर्य कर्म ये सब की बाइबल में है। यस अगर नहीं होता तो फिर आज हम आशीष में कैसे होते? हो यदि न भइदिएको भए आज तपाईले म कसरी आशीष में हुने थियौ? ब्लेसिंग बाइबल में है ऐसे करो। यस आशीष बाइबल में छ टाउको हल्लाउनुस। हो जल्दी जल्दी मिरेकल्स बाइबल में है, चमत्कार बाइबल में छ। यस जीसस ने भी तो मिरेकल किया, यीशुले पनि त चमत्कार गर्नुभयो। जीसस ने किया, पीटर ने किया, पॉल ने किया, फिलिप ने किया, डैनियल ने किया, रोशन ने किया, सिस्टर ने किया, ब्रदर ने किया, सबने किया। यीशुले गर्नुभयो, पत्रसले, योहन्नाले र त्यसपछिका सबै चेलाहरूले गर्नुभयो। हो बाइबल में छ चमत्कार, त्यसैले गर्नुभयो। बाइबल में मिरेकल्स भी है, बाइबल में ब्लेसिंग भी है, बाइबल में आशीष भी है, मोटिवेशनल है, सब कुछ है। र बाइबल में चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म आशीष सबै कुराहरू छन्। पानी से मीठा पानी बनाया, मतलब दाखरस बनाया, पानी ले दाखरस बनाउनु भयो यीशुले। फर्स्ट मिरेकल, पहिलो चमत्कार। आंधी को रोका, आंधी उरीलाई रोक्नु भयो। यीशु पानी पे चला, यीशु पानी में हिड्नु भयो। 5000 को खाना खिलाया, 5000 लाई खुवाउनु भयो। वाओ सब कुछ किया, सबै कुरा गर्नु भयो। क्या लुसिफर ने इसमें से कुछ भी यूज किया जीसस के लिए? कि ये शैतान ले यो मध्य बाटा कुनै एउटा कुरालाई लिएर प्रयोग गरे त यीशु माथि? नो होइन। जीसस के पास आकर उसने ये नहीं कहा ओ आपका मिरेकल ऐसा है इसके ऊपर अटैक करूंगा, नहीं। उसने अटैक किधर किया? स्क्रिप्चर के ऊपर। शैतान को सामने आएर शैतान ने यीशु ले तपाईले चमत्कार गर्नुभयो त्यसमाथि उले अटैक करेन। तो लुसिफर अटैक किस पे करेगा आज? आपका स्टडी पे, आज तपाईको अध्ययन माथि शैतानले आक्रमण। मुझे आशीष चाहिए, तपाईलाई आशीष चाहिन्छ। मुझे मिरेकल्स चाहिए, मलाई चमत्कार चाहिन्छ। आपको भी चाहिए, तपाईलाई पनि चाहिन्छ। आपको चाहिए, सबैले चाहिन्छ। लेकिन जीसस से बड़ा ब्लेसिंग नहीं है, जीसस से बड़ा मिरेकल नहीं है। अगर जीसस है तो ब्लेसिंग भी है, मिरेकल भी है। र यीशु भन्दा ठूलो न चिन्ह हो न चमत्कार हो, यीशु भयो भने यीशु नै सबैभन्दा उत्तम चमत्कार हो। सिस्टर कम हियर नाउ, सी दिस पॉइंट। र एकदमै सीरियस, इसको आशीष चाहिए र उहाँलाई मण्डलीलाई आशीष चाहिन्छ। ब्रदर प्लीज कम। र दाजु तपाईँ आउनुहोस्। ये है पास्टर, वहाँ हुनुहुन्छ पास्टर, लोकल पास्टर, इधर इधर यहाँको स्थानीय पास्टर। ये है लोकल पास्टर, वहाँ हुनुहुन्छ यहाँको स्थानीय पास्टर। सुपर, ऐसे ऐसे, वेरी नाइस, नाटक, वंडरफुल, स्मार्ट है एकदमै स्मार्ट। इसके इसके हाथ रखने से मिरेकल्स होता है, वहाँको हाथ राखेर चमत्कार हुन्छ। प्लीज थोड़ा फोकस करना, ठीक है? यहाँ हेर्नु होला, इसके हाथ रखने से मिरेकल होता है, वहाँको हाथ राख्यो भने चमत्कार हुन्छ। ये बोलता है, प्रोफेसी होता है, र उहाँले बोल्नुहुन्छ भने अगमबानी भविष्यवाणी हुन्छ। ये पावरफुल पास्टर है, एकदमै शक्तिशाली पास्टर हुनुहुन्छ। जीसस इधर आप, यीशु यता हुनुहुन्छ नाटकमा। ध्यान से सुन्न, एकदम ध्यानसँग सुन्नुस्। पावर देता कोन है इसको? यसलाई अधिकार र पावर कसले दिन्छ? शक्ति कसले दिनुहुन्छ? यीशुले। प्रोफेसी देता कोन है इसको? भविष्यवाणी अगमबानी कसले दिनुहुन्छ? जीसस। यीशुले। ब्लेसिंग देता कोन है इसको? आशीष कसले दिनुहुन्छ? जीसस। यीशुले। तो जीसस इज द सोर्स, ये जरिया है और ये इससे लेकर काम करता है। यीशु एउटा स्रोत हुनुहुन्छ र वहाँबाट लिएर यसले काम गर्दछ, यानी कि पास्टरले काम गर्दछ। मण्डली इसके पास जाएगी या मण्डली इसके पास जाएगी? अब चर्च चाहिँ यीशुसँग जान्छ कि चर्च चाहिँ पास्टर कहाँ जान्छ? चर्च से यीशु कहाँ? तो इसको क्या सिक्ना है र उसलाई के सिक्नु पर्छ? मण्डलीले के सिक्नु पर्छ? पास्टर का जरुरत है, पास्टर को आवश्यकता छ, है छ। पास्टर चाहिन्छ। पास्टर का काम क्या है? पास्टर को काम के हो? ऐसे पूछो, पास्टर का काम क्या है? पास्टर को काम के हो? पास्टर का काम है मंडली का हाथ पकड़ो। पास्टर को काम हो मंडली को हाथ समातेर और यीशु के हाथ में दे दो, यीशु को हाथ में दिनु बस।
एक सेकंड, एक सेकंड सिस्टर होल्ड, अरे आज छोड़ दो। हाँ, इसका काम क्या हो रहा है पता है आजकल? लेकिन पास्टर को काम के भाई राखे कसा? वो हाथ से मंडली को पकड़ो, वो हाथ से ये वड़ा हाथ ले मंडली ला समानो। याद रखो मंडली को पकड़ा है, लड़की को नहीं। हाँ, याद मंडली को पहले ये भाई नहीं मंडली को बोलता है, उदाहरण मंडली को बोलता है मैं जिधर जाता हूँ मेरे पीछे पीछे चलो। र पास्टरले मण्डलीको हात समाउनुहुन्छ र म जहाँ जहाँ जान्छु मण्डली तिमीहरू चाहिँ म सँगसँगै जाउँ। रिक्वेस्ट गर्दा प्लिज फोकस गरौँ, बहुत इम्पोर्टेन्ट है, ठिक है न? सब रेडी? अनुरोध गर्दछु एकदमै तपाईँले ध्यान दिनुहोस् दायाँ बयान गरेर। ईश्वर भाइ तपाईँ बस्नु, मण्डली येशूको पछि चल्ना है या पास्टरको पछि? चर्चलाई मण्डलीलाई येशूको पछि हिँड्नुपर्छ कि पास्टरको पछि? मैं फिर कहता हूँ पास्टर का जरूरत है। मुफ्तेरी बनी बन्छु पास्टर को आवश्यकता छ। आपका पास्टर का जरूरत है आपको? तपाई को पास्टर को यहाँ आवश्यकता छ। मैं भी एक पास्टर हूँ। म पनि एउटा पास्टर हूँ। लेकिन मैं यीशु का महिमा, तर म यीशु को महिमा। आपने इनका शब्द सुना था वर्शिप के टाइम पे? तपाईले वहाको शब्द सुन्नु भएको थियो? महिमा यीशु को, महिमा यीशु को, महिमा यीशु को, यही तो बोल रहे थे ना आप, यही तो भनिरहनु भएको थियो। तो फिर मेरा, आपने नाटक चल रहा है। मेरा क्वेश्चन है फिर पास्टर मण्डली को अपने पीछे क्यों चला रहा है? फिर मेरो प्रश्न छ कि पास्टर मण्डलीले तानेर आफ्नै पछाडी मात्र किन लगिराखेको छ? कितना अच्छा होगा, कति राम्रो हुन्थ्यो के नेपालका मण्डली, नेपालको चर्चहरु, मुम्बईका मण्डली, बम्बईको मण्डली, महाराष्ट्रका मण्डली, महाराष्ट्रको मण्डली येशू के साथ चले, येशूसँग चले हिँड्यो भने कति राम्रो हुने थियो होला। एक सेकेन्ड, एक सेकेन्ड, इसको मिरेकल चाहिए तो डाइरेक्ट कहाँ से आएगा? यसलाई चमत्कार चाहियो भने सिधै कहाँबाट आउँछ? इसको आशीष चाहिए तो कहाँ से आएगा? वहाँ आशीष चाहिए भने कहाँबाट आउँछ? ओके, एक एग्जांपल हो सिस्टर, यू कम, एउटा उदाहरण दिनुछु। ऐसा सोचो कि ये अभी सिस्टर को नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत दूर है, आप नजदीक में है, सेट करके आ जाओ। ये है पास्टर, वहाँ हुनुहुन्छ पास्टर आपका चर्च का, तपाईको चर्च का। अगर आपका चर्च जीसस के पास डायरेक्ट जाने लगा ना, र तपाईको चर्च सिधै येशू डायरेक्ट, रुको मैं भेजेगा, डायरेक्ट अगर जीसस के पास जाने लगेगा, तपाईको चर्च यदि सिधै येशू बाटोमा जान चाहन्छ भने तो इसको तकलीफ नहीं होगा, तर येशूलाई कुनै समस्या हुँदैन, राइट सिस्टर? ठीक हो, इसको दुख नहीं होगा, उसलाई दुख, उल्टा ये क्या बोलेगी पता है? उल्टा वहाँ के भन्नुहुन्छ थाहा छ, और एक लीडर तैयार हो रहा है, अर्को एउटा अगुवा तैयार हो रहा है। आपका जो चर्च है ना, सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, तपाईको जो चर्च छ नि सरमन सरमा गाउँमा, आपका मंडली तैयार होगा, आप तपाईको चर्च तैयार हुन्छ। आप क्या चाहते हैं कि आपका मंडली हर हफ्ता आ आकर सिस्टर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, सिस्टर ऐसा करे, या सिस्टर आप बोलो क्या प्रार्थना करें? तपाईको विश्वासीहरू, तपाईको मण्डलीहरू चर्चमा आएर पास्टरज्यू प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेको चाहनुहुन्छ कि अब तपाईँ हामीलाई भन्नुहोस् के को लागि प्रार्थना गर्नु भनेर? आपका चर्चको बाहर, तपाईँको चर्चको बाहिर एन्टी टाइपका लोग आ गया, तपाईँको छुट्टो टाइपको मान्छेहरू आए, तलवार लेके विरोध विरोधी मान्छे। आपका चर्च अगर जीसस के साथ कनेक्टेड है, तपाईँको चर्च येशूको सम्बन्धमा छ भने ये कभी नहीं भागेगा, यो कहिले पनि भाग्ने छैन, ऐसा डटके खड़ा रहेगा, डटेर उभिने छ। वो कहेगा हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे, उसले भन्ने छ म तिम्रो गर्दन काटिदिन्छु, हम पहले से मरा है वाक, और एक बार मारो ऐसा बोलेगी, हम पहले से मरा है वापस मारो ये बोलेगी, हामी पहिल्यै मरिसकेका छौ फेरि दोबारा तिमीले मार भने तुम हमको क्या मारेगा, तुम तपाई हामीलाई किन कसरी मार्नुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? क्या फर्स्ट सेन्चुरी का चर्च ऐसे ही था कि पहिलो शताब्दीको चर्च यस्तै थियो? उदाहरण चल्दैछ, एउटा नाटक चल्दैछ, फुल पावरफुल है एकदम, उहाँ दिदी चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्दै ठपाक, प्रार्थना गर्दै ठपाक, प्रार्थना गर्नुहुन्छ मान्छेहरू लडाइँ हाल्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ लडाइँ हाल्नुहुन्छ, क्योंकि आपको मालूम है इन्डियामा क्या चल रहा है, यो तपाईँलाई थाहा छ इन्डियामा र नेपालमा पनि यस्तो चलिरहेको छ। अभी सिस्टर के हाथ से प्रार्थना किए वा ब्लेसिङ वाटर, अब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अब आशिषको पानी, सिस्टर के हाथ से प्रार्थना किए वा ऑयल, र उहाँ दिदीले गर्नुभएको प्रार्थना गरेको तेल, इनके हाथ से प्रार्थना किए वा कटचिप ह्यान्डकरचिप रुमाल, उहाँको हातबाट प्रार्थना गरेको रुमाल, एकदमै कति शक्तिशाली पास्टर हुनुहुन्छ, हम इनके पास जाते टपाक टपाक,
म त्यो उहाँ बाटोमा जान्छु, उहाँले छुनुहुन्छ र म लडिहाल्छु लडिहाल्छु। ये पुरी जिन्दगी बेबी बनके रहेगी या फिर होशियार, यो सधैँभरि सानो बच्चा बनेर बसिरहन्छ या एकदमै ठुलो जवान हुनेछ बच्चा भएर। राइट राइट, बिल्कुल सही जवाब। आप क्या चाहते हैं आपका चर्च क्या बने? तपाईँ के चाहनुहुन्छ तपाईँको चर्च बनेको? होशियार होशियार एकदमै गुरु गुरु टिचर गुरु टिचर भनेको चाहनुहुन्छ। यही त जीसस चाहता है ना, यही त येशू चाहनुहुन्छ हैन। पास्टर प्रार्थना करे प्रब्लम नहीं है, पास्टरले प्रार्थना गरेको समस्या छैन, मेरो को उससे कोही तकलीफ नहीं है, मलाई त्योबाट केही समस्या छैन। लेकिन इसको बड़ा भी तो करो, यसलाई ठुलो बढाउनुस्, मण्डलीलाई बढाउनुस् न। जब ये छोटा था ना, जब वहाँ सानो हुन्थ्यो, तो मैं इसको लेके घुमता था, र म उचालेर वहाँलाई लिएर घुम्दा थिएँ। अब ये घोडा हो गया, र अब यो चाहिँ ठुलो हुनु गयो, अब ये मेरे को लेके घुम सकता है, अब वहाँ चाहिँ मलाई लिएर हिँड्न सक्छ। अब आप सोच के देखे, दूध का बोतल है यहाँ पे, दूध यहाँ कुनै दूध को बोतल छ, ओके ठीक है, ये है दूध का बोतल, र यो पानी यसलाई हामी समझ्यौ, जब छोटा था तो दूध पीता था, यो जब सानो थियो त दूध पिउँदा थियो, अभी पिने बोलो, अगर अभी मांगेगा दूध का बोतल पकड़, अगर अभी मांगेगा दूध का बोतल, पप्पा दुदू सट करके मिलेगा उसको। अहिले त्यति उले दूध बुवा दूध चाहियो भने के भन्छ उले? प्लीज कम। सोच के देखो, ये आदमी अगर दूध का बोतल मांगे तो, अरे यदि उहाँले चाहिँ दूध को बोतल माग्नु भयो भने, अच्छा इनका मम्मी इधर है, आओ मम्मी नाटक में, मम्मी आओ, मम्मी आपका बेटा को गोद में उठा सकता है? हमारे यदि छोरालाई अहिले त्यतिखेर काखमा लिए भने, आप जाओ, और एक मिल गया, ब्रदर कम, आप इनको उठा सकते हैं, इनको उठाओ, मैं आपको बताओ, ये अगर उठाएगी ना ये खुद उठ जाएगी। म तपाईलाई भन्नु, यदि उहाँले उठाउनु भयो भने, जस्ट किडिंग, हां ब्रदर, डोंट टेक पर्सनल, बाद में समझा देना, जानुस्, थैंक यू। वाह, कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई? यीशुका मण्डली पावरफुल होना, यीशुको मण्डली शक्तिशाली हुनु पर्दछ, यीशुका मण्डली अपने पैर पे खडा हो, यीशुको मण्डली आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्दछ। जोड से ताली बजाकर प्रभुको महिमा, जोडले ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा गर्नुहोस्। ओके, वापस पछि आइए, फर्केर आउनुहोस्। ओके, लास्ट पार्ट, एकदमै लास्ट भागमा छौ, और आपने कुछ नोट किया, मैंने अभी तक उसको ओपन नहीं किया। तपाईले केही नोट गर्नु भएको छ अहिले सम्म? हामीले यसलाई खोलेकै छैनौ, और मैं नहीं जा सकता आज, आज म जान्न सक्दिनँ होला, मुश्किल है, बट जो कुछ मिल रहा है ये टोटल फ्रेश है, र जे तपाईँले पाइरहनु भएको छ एकदमै स्वच्छ छ। आप चेक कर सकता है, मैं अभी तक कहीं पे भी नहीं बोला, ब्रदर मेरे साथ है, आप भी मेरे साथ है, तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ, आज जो यहाँ भन्यो त्यो कहीं पनि मैले भनेको छैन, एकदमै, और सब कुछ इधर है, डायरेक्ट इधर से परमेश्वरले दिनु भएको, आज नोट्स नहीं बनाया, देखो ल्यापटप में नहीं है, नोट्स पनि बनाएको छैन, ल्यापटप पनि छैन, यू अंडरस्टैंड, बुझ्दै हुनुहुन्छ? वाह, लास्ट पार्टमा लास्ट पार्टमा तयार, सबैजना तयार हुनुहुन्छ? ओके, पडोसीको फिर कोनी मारो, छिमेकीलाई फेरि कुइनाले हान्नुस्, बोलो लास्ट पार्ट, ल भन्नुस्, अन्तिम भागमा छौ, ये हवामे मार रहा है, शिव भाई हवामे मार रहा है। वापस उस पॉइंट पे आते हैं, फर्केर हामी त्यो पॉइंटमा आउने छौ, मैथ्यू 16:18 नहीं पढ्ना, मत्तीको 16:18 नपढ्नुस्, अगर कलीसिया यीशु बना रहा है तो कलीसिया का फर्ज है कि वो यीशु के हिसाब से चले, मण्डलीलाई यीशुले बनाउनु भएको छ भने मण्डलीको दायित्व हो कि यीशुको हिसाबले चल्नु पर्छ, एग्री, विश्वास गर्नुहुन्छ? यस ओर नो, अगर कलीसिया यीशु के हिसाब से नहीं चलेगा, यदि चर्च यीशुको हिसाबले हिँड्दैन भने कसको हिसाबले छ? वो इसको बिगाड़ देगा, फेरि शैतान मण्डलीलाई बिगाड़, एग्री, ओके, नाउ बहुत ध्यान से सुनो, यीशु क्या चाहता है कि कलीसिया करे, यीशुले के चाहनुहुन्छ जे मण्डली गरेको होस्? कलीसिया सबसे पहला यीशु के साथ में रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि मण्डली यीशु को संबंधमा अगाडि बढोस्। कलीसिया का फर्ज है, नजदीक आना, कलीसिया का फर्ज है, मण्डली का फर्ज है कि वो यीशु को प्यार करे, र चर्च को चाहिँ दायित्व हो कि यीशुलाई प्रेम गर्नु। मिनल, आई गेस 1 Corinthians chapter 16 verse 22, अगर मैं गलत नहीं हूं, देखो लास्ट का, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित है। ये नेपाली, First Corinthians 16:22, अभिवादन लेख्दैछु,
कसैले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्। ए हाम्रा प्रभु आउनुहोस्। अगर कलिसिया येशु से प्यार नहीं करती तो क्या है? यदि मण्डलीले येशूलाई प्रेम गरेन भने के रे? श्रापित है। तो कलिसिया को प्रेम करना है येशू से। तो मण्डलीले प्रेम गर्नु कसलाई? येशूलाई। तो जितने पास्टर्स हैं, क्या आप अपना मण्डली को येशू से प्यार करना सिखा रहे? के जतिजना तपाईँहरू पास्टर हुनुहुन्छ, के तपाईँहरूले आफ्नो मण्डलीलाई येशूसँग प्रेम गर्न सिकाउनु भयो? जो फेसबुक और युट्युब पे अपलोडेड भिडियो देखेंगे, मैं आपको भी पूछता हूँ, क्या आपने अपने लोगों को सिखाया कि येशू से प्यार करें? जतिजना युट्युब र फेसबुक हुनुहुन्छ, के तपाईँहरूले सिकाउनु भयो कि मण्डलीले येशूलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर? पास्टर हम तो येशू से प्यार करना सिखाते हैं। पास्टर हामी त येशूलाई प्रेम गर्न सिकाउँछौँ। अगर येशू से प्यार करना सिखा रहे तो तेल का बोतल, पानी का बोतल, रुमाल क्यों बेच रहे? यदि येशूलाई प्रेम गर्न सिकेको भए त्यस भए पानीको बोतल, रुमाल, तेल यो सबै किन बेच्दै? येशू से मिलाऊ न, येशूलाई भेटाउनुस् न। आप बीच में अपनी टांग क्यों डाल रहे हो? तपाईं आफ्नो बीचमा आफ्नो खुट्टा किन अड्काउँदै हुनुहुन्छ? यस सर नो। तो कलिसिया को सबसे पहले येशू से प्यार करना सिखाना। चर्चलाई येशूसँग प्रेम गर्न सिकाउनु पर्छ। सेकेन्ड, दोस्रो, अभी इसमें आपका हेल्प चाहिए, इसमें तपाईको मदद चाहिएको छ। अगर कलिसिया येशु से प्यार करेगा तो उसका परिणाम, रिस्पोन्स, उसका फीडबैक, उसका असर क्या है? यदि मण्डलीले येशूलाई प्रेम गर्छ भने त्यसको फाइदा, बेनिफिट चाहिँ के हो भन्ने कुरा बताउँछ। मतलब मैं प्यार करता हूँ, सबूत क्या है? मैं येशू से प्यार करता हूँ, सबूत क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? प्रमाण के हो? येशू, म येशूलाई प्रेम गर्छु भन्ने प्रमाण सबूत के हो? ओ वंडरफुल, आज्ञा। हाँ, तो कलिसिया, मेरी भाषा में, अगर कलिसिया येशु से प्यार करती है तो कलिसिया येशु का काम करेगी। यदि कलिसियाले येशूलाई प्रेम गर्छ भने येशूको काम कलिसियाले गर्नेछ अथवा आज्ञा मान्नेछ। तो अगर कोही कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, काम नहीं करता, वो झूठा है। फर्स्ट जॉन, गेट फास्ट, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 4, फर्स्ट जॉन 2:4, फर्स्ट जॉन 2:4, फर्स्ट जॉन 2:4 पढ़ो। योहन्ना 2:4, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वो झूठा है, वो झूठा है, झूठ। त्यो चाहिँ नेपालीमा पढ्नु जी, फर्स्ट जॉन 2:4, पहिलो योहन्ना। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झूठो हो र त्यसमा सत्य छैन। झूठो, झूठो। अगर सिस्टर आप नहीं, नाटक चल रहा है, अगर ये मंडली है आप और मैं, तो बोले नींद लाई रहा था, हाय आई रहा था। ओके ओके, फोकस फोकस फोकस, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर कलिसिया कहती है मैं यीशु से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, अरे यीशु, मंडली ले पंचम, मैं यीशु लाई प्रेम करती हूँ, यीशु लाई प्रेम करती हूँ, लेकिन कलिसिया काम नहीं कर रही है, तर कलिसिया ले काम से कर देना, तो ये कौन है? यो को हो त? मण्डली के हो? झूठो, झूठो हो, फटा, ये झूठो, झूठो हो। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? पापरे, और एक आ गया, बोल सकता हूँ, अर्को एउटा आयो, भन्न सक्छु। कलिसिया सुस्त होना चाहिए या चुस्त? कलिसिया चाहिँ सुस्त हुन चाहियो अथवा एकदमै चुस्त? सुस्त या चुस्त? सुस्त अथवा चुस्त, बुझ्नुहुन्छ? आज कितना पर्सेंट कलिसिया सुस्त है? आज कति पर्सेंट चर्चहरू चाहिँ सुतिराखेका छन् अथवा सुस्त छन्? लेजी, कितना पर्सेंट अल्छी छन् भनेको? 90%, 90%। मण्डली खुद बोल रही है, मण्डली आफैले भन्दैछ। बहुत अनेस्ट है, बहुत ईमानदार। एक मंदिर था, मंदिर, टेम्पल, एक मंदिर था, एउटा मंदिर थियो, वो मंदिर में तीन क्यारेक्टर, त्यो मंदिर में तीन जना चरित्र अथवा क्यारेक्टर, फर्स्ट क्यारेक्टर, पहिलो चरित्र भएको, उसका नाम है एली, उसको नाम थियो एली, फर्स्ट सैमुएल याद आ गया, पहिलो सैमुएल में छ एली, एली नाम गरेको, दूसरा क्यारेक्टर, दूसरा चरित्र भएको व्यक्ति, उसके दो बच्चे थे, एली को दुईटा बच्चाहरू, छोराहरू, याद आ गया, याद आए, उनका नाम है, लेकिन बाइबल कहती लुच्चे, बच्चे लुच्चे, उनको बच्चाहरूको नाम चाहिँ लुच्चा राखेको छ, तीसरा क्यारेक्टर, तीसरा क्यारेक्टर सैमुएल, सैमुएल छोटा लड़का, सैमुएल सानो बच्चा, सैमुएल, इन तीनों का नाम रख रहा हूँ, इन तीन जनाको नाम राख्दै छु, सुन्ना है, सुन्न चाहनु, एली, एली सुस्त, सुस्त, सुस्ती, सुस्ती, बच्चे मस्ती, बच्चे मस्तीमा, सैमुएल, सैमुएल चुस्ती, सुस्ती, सुस्ती मस्ती चुस्ती, सुस्ती मस्ती चुस्ती, सुस्ती अनि मस्तीमा अनि चुस्तीमा, क्या सही था? कुन चाहिँ सही थियो? चुस्ती, एली सही थियो, एलीको बच्चा सही थियो, या सैमुएल सही थियो भन्नु? एक्ज्याक्टली, एली मर गया, एली मर्यो, मरा,
उसके बच्चे पहले मर गए। एली भन्दा पहिला उसको बच्चा मरे। एली कुर्सी में बैठे बैठे मर गया। एली चाहिँ कुर्सी में बस्दा बस्दै मर्यो। सुस्ती सुस्तीमा अल्छीमा मर गया। इसलिए मर गया। इसलिए इस कारणले मर्यो। जो बैठता है कुर्सी में, जो जसले बस्छ कुर्सीमा, वो कुर्सी में बैठा था, वो कुर्सी में बसेको थियो, पीछे गिर के मर गया, पछाडी लडेर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग छ बाइबलमा। बच्चे मस्ती में मर गए, बच्चाहरु मस्तीमा। एलिया किसने आके मार दिया, कसैले आएर उलाई मारिदियो। लेकिन सैमुएल नहीं मरा। तर सैमुएल चाहिँ मर्यो। सैमुएल बड़ा हो गया। सैमुएल चाहिँ सानो बाटा, और वही किया जो प्रभु चाहता था, इसको कहते हैं चुस्ती। र त्यही गर्नुभयो जुन कुरा परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो, त्यही कुरालाई भन्छन् चुस्ती। कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? तो मंडली को भी ना सुस्ती ना मस्ती, लेकिन होना है मंडली पनि ना सुस्ती मेरे को पक्का ना मस्ती हामीले हुनु पर्दछ चुस्ती। मुझे पक्का पता है ये नेक्स्ट टाइम मेरा मीटिंग में नहीं आएगा। मलाई थाहा छ दोस्रो चोटि तपाईँ सायद मेरो मण्डलीमा आउनुहुन्न होला। सरी, उहाँको प्रेसर सुन्नलाई। गुड, अच्छा सुनो, मण्डली अगर प्यार करती है तो काम करना चाहिए। यदि चर्चले प्रेम गर्छ भने त्यो प्रेम गर्नेले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। आपका चर्च का नाम है ग्रेट कमिशन। तपाईँको चर्चको नाम हो महान आज्ञा अथवा ग्रेट कमिशन। यस सर नो, हो कि होइन? और आपके चर्च को सलूट है, क्योंकि नाम की वजह से। तपाईको चर्चलाई सलाम छ तपाईको चर्चको नामको कारणले गर्दा, क्योंकि आपका चर्च वाकई में ग्रेट कमिशन का काम कर रहा है। किनकि तपाईको चर्च साच्चै नै ग्रेट कमिशन को काम गरिराखेको छ। प्रीचिंग द गॉस्पल, प्रचारमा सुसमाचारलाई प्रचार गर्नु, मेकिङ डिसिपल्स, र चेलाहरू तयार गर्नु, बैप्टाइजिंग देम फादर सन होली स्पिरिट नेम, बप्तिस्मा दिनु पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा, एन्ड टीचिंग देम, अनि शिक्षा दिनु। सिस्टर कम, दिदी तपाईँ आउनुहोस्, आज आपको एक्सरसाइज है, र तपाईँको एक्सरसाइज हुँदैछ है। पास्टर डेनियल, पास्टर डेनियल, अभी तक सब लोग ठीक है ना? अहिलेसम्म तपाईँहरू सबैजना ठिक हुनुहुन्छ? सिस्टर कैसे पास्टर, र दिदी तपाईँ कसरी पास्टर हुन? सिस्टर कैसे पास्टर, दिदी कसरी पास्टर? मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? तपाईँलाई शुरू में मैले के भनेको थिएँ? ईव, हवा कहाँ थी? हवा कहाँ थिइन्? आदम के अंदर, आदम भित्र। तो जो आदम में से निकल रहा है वो क्या है? र आदम बाट निस्केको त्यो के हो? वेरी गुड, आदम, आदम बाट निस्केको छ भने त्यो के भन्छ? आदम का हड्डी को क्या बोलेंगे? आदम को हड्डीलाई के भनिन्छ? आदम नै भनिन्छ। तो ईव किससे बनी? हड्डी से। हवा कहाँ बाट बनेको? उसको श्रीमान बाट बनेको। तो उसका नाम क्या रखेंगे? उसको नाम के राख्नुहुन्छ? आदम। आदम, पास्टर डेनियल प्रूफ दो, पास्टर डेनियल प्रमाण दिनुस्। अभी देते प्रमाण, अहिले दिन्छु प्रमाण। उत्पत्ति 5:2, उत्पत्ति 5:2, आइए सुनते हैं, पहला नेपाली और फिर हिंदी, और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। जति जना सुतिरहनु भएको छ जोर सँग हालेलुया भन्नुस् त। कुछ लोग सो रहे उनको कॉफी पिलाओ, कॉफी कॉफी, उहाँलाई चिया कॉफी पिलाउनुस्, लेकिन उन्हीं के पैसे से, तर उहाँकै पैसाले पिलाउनुस् है। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आप नहीं, हस्बैंड वाइफ कौन कौन है? हस्बैंड श्रीमान श्रीमती को हुनुहुन्छ? हां, श्रीमती श्रीमती श्रीमान, दुई जना जोडी आउनु भएको छ, कसैको श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ? जल्दी जल्दी जोडी 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 जोडी, रियलमा रियलमा तपाईको नाटकमा हैन है, साच्चै तपाई श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ? हुन्छ, ये है श्रीमान और ये है उसकी श्रीमती। कम, वाओ, बहुत स्मार्ट है आप, दोनों भी स्मार्ट है, इधर आ जाओ। ये है आदम, र वहाँ हुनुहुन्छ आदम। इसका नाम क्या है? वहाँको नाम के हो? आदम। आदम, ये है इसकी पत्नी हवा, वहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ औरत, वहाँ औरत औरत स्त्री। इसका नाम क्या है? इसको नाम के हो? आदम। आदम, बुझ्नु भएन होला? इसका नाम भी आदम, उसका नाम भी आदम। ऊपर परमेश्वर को पूछेंगे, ये हाँ, ये गलत है, ये हवा नहीं है, ये भी आदम है। आप फिर से पढ़ लो चाहिए तो। परमेश्वर कहता है ये भी आदम, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ वहाँ पनि आदम, ये भी आदम, यानी कि स्त्री पनि आदम, तो दोनों भी आदम, दुवै जना आदम।
एक्ज्याक्टली क्योंकि ये जो सिस्टम है दुनिया का यो जुन सिस्टम जुन दुनिया को तौर तरीका छ वो कहती है त्यसले भन्छ अगर बच्चा चाहिए यदि बच्चा चाहिन्छ भने तो इसका शरीर थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा अनि अलिकति एउटाको शरीर चाहिँ अलि अलग बनाउनु पर्छ भिन्न बनाउनु पर्छ परमेश्वरले बनाया परमेश्वरले बनाउनु भयो इसका शरीर अलग है वहाको शरीर अलग छ इसका शरीर अलग है उसको शरीर शरीर अलग छ लेकिन स्पिरिट में क्या है आत्मा में के हो मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं तो सीख रहा हूँ यू अंडरस्टैंड बुझ्दै हुनुहुन्छ हमको शरीर से क्या लेना देना हम हामीलाई शरीर में किन लिन दिनु छ र ओके आपको याद दिलाता हूँ दोनों के ऊपर फुका ना दुईटै पनि चाहिँ फुकेको हो नि ये कहाँ थी त्यतिखेर ऊ कहाँ थियो इसके अंदर थी आदम भित्र थियो अरे 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 एउटा अरे बोल सकता हूँ भन्न सक्छु ये बना मट्टी से आदम बन्यो माटोबाट ये बनी हड्डी से अनि स्त्री बन्यो हड्डीबाट मट्टी सफ्ट होता है कि हड्डी सफ्ट होता है मतलब माटो कमल हुन्छ कि हड्डी कमल हुन्छ बहुत अच्छा जवाब इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ इन्हीं के पैसे से उहाँलाई चिसो खुवाउनुस् उहाँकै पैसाले You understand? यो बुझ्दै हुनुहुन्छ मट्टी सफ्ट होता है हड्डी नहीं माटो कमल हुन्छ तर हड्डी चाहिँ होइन ऐसा क्यों यस्तो किन यसको हड्डी से क्यों बनाया यसलाई हड्डीबाट किन बनाइयो यसको मट्टी से बनाया सफ्ट आदमलाई माटोबाट बनायो एकदमै नरम ये हड्डी सख्त र यो हड्डी चाहिँ एकदमै सारो सच बताओ जिस दिन से शादी हुआ अभी तक आप सबसे ज्यादा सॉरी कौन बोलता है जुनबाट विवाह भयो आजसम्म त सबैभन्दा बढी सॉरी कसले भन्छ अभी जो ब्रदर है ना ताली बजा रहे ना वो समझ गए जसले ताली बजाउनु भयो उहाँले बुझ्नु भयो क्योंकि सबसे ज्यादा सॉरी उन्होंने ही बोला है सबैभन्दा धेरै माफी उहाँले नै माग्नु भयो गल्तीया आपको भी पता होगा उधर बैठी है मैडम गलती करती हैं ये गलतियां गलतियां अच्छा आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि सामने बैठी है गलतियां करती हैं इनकी पत्नी गलती गर्नुहुन्छन् श्रीमतीहरुले सॉरी हमको बोलना पड़ता है सॉरी चाहिँ हामी श्रीमानहरुले यस सर नो हो कि होइन अच्छा अगर गलती का सॉरी नहीं बोला तो फिर मुंह फुलाकर बैठते हैं यदि गलती को सॉरी पुरुषले भनेन भने श्रीमतीहरु चाहिँ आफ्नो मुख फुलाएर बस्छन् बाहर से जब घर में जाते तो ऐसा लगता है कि हम लोग बॉर्डर का फील्ड में जा रहे हैं हामी बाहिरबाट भित्र आउँछौं भने जबकि जबकि ये मट्टी है जबकि वहाँ माटो हुनुहुन्छ ये हड्डी है र स्त्री हड्डीबाट बनाएको छ एकदमै सख्त हो बोलियो हुनु पर्छ मैंने पूछा प्रभु ऐसा क्यों बनाया आपने मैले सोधे परमेश्वर तपाईले यस्तो किन बनाउनु अभी ध्यान से सुनो एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस् परमेश्वर को पता है परमेश्वरलाई थाहा छ आदमी बाहर से कितना भी मजबूत हो पुरुष बाहिरबाट जति पनि बोलियो किन नहोस् अंदर से जल्दी टूट जाता है भित्रबाट त्यति नै छिटो टुट्दछ औरत स्त्री बाहर से पतली हो सकती है बाहिरबाट दुब्लो पातलो हुन सक्छ लेकिन टुट्ती नहीं है तर वहाँ चाहिँ टुट्नु हुन्न नौ महीना पेट में बच्चा को रख के जन्म देती नौ महीना आफ्नो पेट में बच्चा राखेर जन्म दिन्छ मजबूत खड़ी रहती है एकदमै बलियो भएर उभिरहन्छ कौन सा डायलग है हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है लिखा है कि नहीं एउटा डायलग छ नि हरेक स्त्री को हरेक पुरुष को सफलता पछाडि स्त्री को हाथ हुन्छ भने तो मेरा क्वेश्चन है मेरा एउटा प्रश्न छ ये हड्डी क्यों है यो हड्डी किन हो ये जब जब कमजोर होगा ये मजबूत खड़ी रहेगी इसलिए जबसम्म पुरुष खडे हुन्छ मजबूत शक्तिशाली स्त्री सामने खडी हुन्छ तो इतना मजबूत हड्डी को ये बाहर वाले बोलते हैं बाप रे बोल दू र यति मजबूत हड्डीलाई बाहिरकाहरूले बोल्छन् औरत आपका घर सम्हाल्ती है स्त्री तपाईको घरलाई सम्हाल्नुहुन्छ आपका किचन सम्हाल्छ तपाईको किचन भान्सालाई सम्हाल्नुहुन्छ जब नमक कम हो तो आप उसको डाँट्ते भी हो जब नुन कम हुन्छ भने त्यसलाई तपाईले हकार्नुहुन्छ यस सर नो हो कि होइन आपका बच्चा सम्हाल्ती है तपाईको बच्चा सम्हाल्छन् आपका घर सम्हाल्ती है तपाईको घर सम्हाल्छन् और अगर आप चले जाते हो दुनिया छोड़ के यदि तपाई यहाँ दुनिया छोडेर जानुहुन्छ भने आपका बिजनेस सम्हाल्छ तपाईको बिजनेस व्यापार सम्हाल्नुहुन्छ आपका सब कुछ सम्हाल्छ तपाईको सबै कुरा सम्हाल्नुहुन्छ मट्टी में आदमी पहले जाता है बाद में औरत जाती है यस सर नो हामी कभरमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिला पुरुष जान्छ त्यसपछि धेरै जस्तो स्त्रीहरु गएको देख्छु क्योंकि ये आदमी बहुत स्मार्ट है वहाँ एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ सेम सेम टाइप आओ सेम एटिट्यूड ये आदमी बहुत स्मार्ट है वहाँ एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ पूछो क्यों क्यों क्योंकि जब ये शादी कर रहा था ना तो इसने अपनी कम उम्र वाली से शादी किया किनकि उहाँले विवाह गर्दाखेरि आफूभन्दा कम उमेरको स्त्रीसँग विवाह गर्नुभयो ऐसा पूछो क्यों यस्तो किन हो भनेर सोध्नुस् क्योंकि इसको पक्का पता है पहिला मैं मरूंगा यसलाई थाहा थियो कि पहिला म मर्ने छ अनि मेरो श्रीमती सबै कुरा सम्हाल्ने छ हाँ पहला बुढा मैं होऊंगा पहिला बुढा म हुने छु बाद में ये बुढी होगी पछाडि यो नि बुढी हुनेछ तो इसके पहले कि मैं बुढा हो के मर्ना ये जिंदा रहना जरूरी है किनकि पहिला म बुढो भएर मर्नु भन्दा पछि यिनी चाहिँ जिउँदै भएको राम्रो हुनेछ कैसा लग रहा है कस्तो लाग्दैछ बात समझ में आ रही है कुरोस बुझ्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर ने जानबुझ के औरत को मजबूत बनाया
परमेश्वरले जानी बुझिकन नै स्त्रीहरूलाई बलियो बनाउनु भएको जो औरत आपका घर सम्हाल सकती है जुन स्त्रीले जो औरत आपका घर सम्हाल सकती है आपका बिजनेस सम्हाल सकती है आपके बच्चे सम्हाल सकती है वो आपका चर्च नहीं सम्हाल सकती जुन स्त्रीले तपाईको घर सम्हाल्न सक्छ बिजनेस सम्हाल्छ बच्चा सम्हाल्न सक्छ त्यो स्त्रीले के चर्च सम्हाल्न सक्दिनन् सम्हाल सकती है सम्हाल्न सक्छन् वो छोडिए त्यसलाई छोडिदिनुस् परमेश्वर से कुछ सवाल पूछेंगे अभी परमेश्वर से के प्रश्न पूछने पूछ सकते हैं सोचना सकता हूं नूहा के जहाज में आपने कबूतरी क्यों उड़ाया कबूतर क्यों नहीं उड़ाया नूहा ले जुन जहाज बनाने भएको थियो त्यहाँ चाहिँ अब नेपाली मालिक त्यसको छैन कबूतरी कबूतरी र कबूतर भनेर भन्छ बाइबलले कबूतरी कबूतरी नॉट कबूतर नेपालीमा परिवानी परिवानी भन्छ अच्छा उसको कहते हैं फीमेल डव नॉट मेल डव परिवा हाँ स्त्री परिवार मर्डर हो गया मेरे पूरे पंच का नूहा को जहाज बाट परमेश्वर ले कबूत पोथी परिवार राइट साइड तो क्वेश्चन है वो कबूतरी क्यों कबूतर क्यों नहीं पोथी परिवार ने किन उड़ाने वो भाले परिवार किन उड़ाने वो है ना कभी सोचा आपने कहले सोचने वाको थियो नूहा के जहाज में कबूतरी नूहा को जहाज में पोथी परिवार ने किन हाँ नॉट कबूतर त्यहाँनिर चाहिँ होइन क्योंकि कुछ भाले परेवा होइन हाँ क्योंकि कुछ कबूतर यहाँ पे भी बैठे हैं कई भालेहरू यहाँ पनि बसेका छन् जब उनको बाहर जाने का मौका मिलता है जब उनले बाहिर जाने किसी कबूतरी को ढूंढ लेते हैं जब उनीहरू बाहिर जाने मौका पाउँछन् कुनै न कुनै अर्को पोथीहरूलाई खोज्दछन् तो परमेश्वर ने बोला कबूतर को रहने दो कबूतरी को उड़ाते हैं वापस परमेश्वर ने भन्नुभयो भालेलाई यहीं बस्न देऊ पोथीलाई उड़ाइदेऊ यस सर नो हो कि होइन एक व्यक्ति था ऊपर आओ एक व्यक्ति था एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उसका नाम था बिलाम बिलाम उसको नाम थियो बिलाम याद है yes. उसकी 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 गधी थी कि गधा बिलाम संग गधा थियो कि गधी थियो वो भी गधी वो पनि गधी यानी कि स्त्री थियो नॉट गधा त्यहाँ गधा थियो न अब आपको समझ में आ रहा है तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ यीशु जिसके ऊपर बैठा यीशु जो माथि बस्नु भयो वो गधी की बच्ची थी कि गधा का बच्चा त्यो गधीको बच्चा थियो कि गधाको बच्चा थियो मैं भी तो वही कह रहा हूं गधी गधी गधीले जन्माएको थियो नि येशू जुन माथि बस्नु भएको हरेक देता हरेक देता वो भी ले लो हरेक दे रहा हूं हरेक दे रहा हूं अर्को एउटा दिने छु एक व्यक्ति था उसका नाम था योना एकजना व्यक्ति थियो जसको नाम थियो योना वो मछली के पेट में था क्या मछला माछा भित्र थियो कि मच्छी भित्र थियो पोथी माछी भित्र थियो फीमेल या मेल मेल थियो कि फीमेल थियो त्यो माछा अब आप सोच के देखो ये सब क्यों वो छोड़ो और एक देता हूं तपाई यो छोड्नुस् अर्को एउटा दिने छु यीशु का पहला सुसमाचार किसने सुनाया यीशु को सबै भन्दा पहिलो सुसमाचार कसले सुनायो औरत स्त्रीले और वो औरत का नाम क्या था त्यो स्त्री को नाम के थियो मेरी मैग्दलिनी मरी मग्दलिनी बाप रे ये भी आप बैठ जाओ ये भी और एक देता हूं ये भी सुनो अर्को एउटा दिने छु यो पनि सुन्नुस् पौलुस की मिनिस्ट्री में लेडीज पास्टर थी पौलुस को सेवकाई में लेडीज पास्टर थिन प्रिस्किल्ला फीबे 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 रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 1 रोमन्स 16:1 16 को 1 रोमियो 16 को 1 कुछ लोग सोच रहे होंगे बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईहरुले हैन कोही निदाउनु त भएको छैन क्रिक्रियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबीको इधर देखो ब्रदर हाम्री बहिनी फिबी हाम्री बस हाम्री बहिनी उसका नाम क्या है फिबी फिबी वो क्या है मेरे को नहीं मालूम वो लेडीज है पास्टर है पढ़ो 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 वापस पढ़ो फिबी को प्रशंसा तिमीहरुको समक्ष गर्दछु पुरै पढ्नु पूरा पढ़ो क्रिकियामा भएको मण्डलीकी धर्मसेविका एक सेकेन्ड धर्मसेविका धर्मसेविका यानी कि पास्टर ओहो यु अंडरस्टैंड बुझ्दै हुनुहुन्छ तो ये कौन है लेडीज मण्डलीको जो धर्मसेविका टाइटल क्या है लेडी थिन र त्यहाँकी पास्टर थिन धर्मसेविका या धर्मसेविका तो पौलुस पागल था क्या के पौलुस पागल थियो यो लेख्नलाई लेडीज को पास्टर बनाने के लिए लेडीज को पास्टर बनाउनलाई बहुत ध्यान से सुनो एकदम ध्यान से सुन्नुस् लेडीज पास्टर बन सकता है स्त्री पास्टर बन्न सक्छ ये फाइनल एग्जांपल है यो अन्तिम उदाहरण हो इसको कोई नहीं कैंसिल कर सकता यसलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन दे दूं दिऊ ये एग्जांपल दे दूं
देऊ एग्जांपल आइए इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 8 इफिसियो को 4 इंग्लिश 8 इंग्लिश वाओ जी इंग्लिश यस इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 8 ओके किसके पास इंग्लिश बाइबल है कसैसँग इंग्लिश बाइबल छ ओके नेपाली पढ़ो जब तक नेपाली पढ़ो नेपाली पढ्नुस् यस कारण यसो भनिएको छ वहाँ उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो क्या क्या मानुस मानिसहरूलाई वरदान मानिस हो ये मानिस हो में कौन कौन है मानिसहरूलाई मत मानिस भनिस को पर्यो बोथ बोथ क्या बात है इंग्लिश में लिखा है ही गेव गिफ्ट्स अनटू मेन एम ई एन नॉट एम ए एन नो एम ई एन पढ़ो मिला किसी के पास है पढ़ो माइक 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 पीछे 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 फॉर दिस रीजन ही सेज ही वेंट अप ऑन हाई टेकिंग हिज प्रिजनर विद हिम एंड गेव फ्रीली टू मेन ही गेव टू मेन गिफ्ट ऑफ फ्रीली गिफ्ट टू मेन एम ई एन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ई एन मैनकाइंड तो मैनकाइंड में दो लोग आते हैं पुरुष और स्त्री तपाईले मानिस भन्ने मात्र दुईटै जनालाई पर्छ पुरुष व्हाट इज द गिफ्ट व्हाट वाज द गिफ्ट के चाहिँ गिफ्ट के चाहिँ प्रदान थियो वर्स 11 वर्स 11 ब्रदर यु रीड 11 पीछे 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 11 11 एंड ही गिव सम एज एपोस्टल एंड अपोस्टल सो अपोस्टल वेट 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 सिस्टर प्लीज कम अगेन एक पुरुष शादी हो गया इसका हस्बैंड कहाँ है आपका हस्बैंड कहाँ है श्रीमान आउनु भएको छैन अभी नहीं है अभी क्या करो वापस उन्हीं को बुला बैठो सिस्टर कम कम ब्रदर क्या कर सकते हैं आउनुस एग्जाम्पल तो देना जरूरी है ये है अपोस्टल वहाँ आउनुस प्रेरित इधर 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 आज आज नहीं जाना उधर ओके ये है अपोस्टल वहाँ आउनुस प्रेरित नेक्स्ट एंड सम प्रोफेट्स प्रोफेट तो ये है प्रोफेट वहाँ अगमवक्ता एंड सम प्रीचर्स प्रीचर तो ये है प्रीचर प्रचारक ऑफ द गुड न्यूज एंड सम टू गिव Care and teaching. Ravaha teacher pan. Okay, total 5. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ye hai pancho? Brother, ye hai pancho hai usme? Okay, to ye hai apostle. Idhar dekho please. Vaha unse prerit. Okay, ye apostle, ye prophet. Aisa karna hai. Agamakta. Ye evangelist. Pracharak. Ye pastor. Pastor. Aur ye teacher. Teacher. Kya isko bhi bana sakte hai? Kya stri lai pani banana sakinchha? Kya ye vachan isko support karta hai? Ke yo vachan le vaha lai sahayata garcha? Of course karta hai. अवश्य गर्दछ ये अपोस्टल है तो ये भी अपोस्टल है एक मिनट लेट मी सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस ये अपोस्टल है तो ये भी अपोस्टल है पूछो क्यों अरे अभी बताया था ना ये औरत इसी के अंदर थी अहिले भनेको थियो न त त्यतिले स्त्री चाहिँ कहाँ थियो त पुरुष भित्र थियो ये इसी के अंदर तो थी पुरुष भित्रै त थियो और जीसस कहता है ही असेंडेड ऑन हाई एंड लेड कैप्टिविटी कैप्टिव एंड गिव गिफ्ट्स अनटू मेन तो मेन में ये भी है र स्त्री और ये भी है बोलो र मानिस भन्नेले चाहिँ पुरुष चाहिँ पुरुषमा उहाँ पनि पुरुष हो र महिला पनि पुरुष नै हो तो अपोस्टल अपोस्टल प्रोफेट प्रोफेट एवेंजेलिस्ट एवेंजेलिस्ट पास्टर पास्टर लास्ट कपल दो प्रेरित प्रेरित अगमवक्ता अगमवक्ता प्रचारक प्रचारक पास्टर पास्टर टीचर टीचर कैसा लग रहा है कस्तो लाग्दैछ पॉइंट क्लियर यो पॉइंटमा क्लियर हुनुहुन्छ तो सिस्टर को कहना चाहूंगा र उहाँ दिदीलाई म भन्न चाहन्छु और यहाँ जितने बैठे उनको भी कहना चाहूँगा यहाँ जति जना बस्नु भएको छ उहाँलाई पनि भन्छु मुंबई के स्टाइल में बम्बई को भाषा में किसी के बाप से नहीं डरना कसैको बाउ देखि डराउनु पर्दैन जब सबका बाप ऊपर बैठा है जब सबैको बाउ माथि बस्नु भएको छ नीचे का बाप क्या कर लेगा तर तलको बाउले के गर्ने छ आप किसी का काम नहीं कर रहे उसका काम कर रहे तपाईहरु अरु कसैको काम गर्ने होइन उस पिताको काम गर्दै हुनुहुन्छ थैंक यू लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट ऐसा कितना बार बोला दो बार ना यस्तो कति पल्ट भने दुई पल्ट भनि सकिन और चार बार बाकी है चार बार बाकी है कम या मंडली चर्च यीशु के हिसाब से चलना है यीशु के हिसाब बाट हिड्नु पर्छ अगर नहीं चला यदि हिडेन भने देखि शैतान तयार है शैतान तयार छ अंडरस्टूड ना ओके पास्टर डेनियल इसको टीचिंग क्या करना है
र पास्टर दानियलले यसलाई शिक्षा किन आवश्यक छ? वो सब सिकाओ जो जीसस ने बोला, र उसलाई सबै कुरा सिकाऊ जुन कुरा येशूले भन्नु भएको छ। क्योंकि आजकल कुछ लोग मंडली को कचरा खिला रहे, किनकि आजकल यस्ता कतिपय मानिसहरु छन् चर्चलाई चाहिँ एक किसिमको कचरा खिलाइराखेका छन्। कचरा कचरा फोहर खिलाइराखेका छन्। हाँ हाँ, क्या क्या कचरा को क्या बोलते हैं? फोहर 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 खिला रहा है। फोहर फोहर खिला रहा है, कचरा फोहर खिला रहा है। सबसे नंबर वन कचरा, सबैभन्दा पहिलो नंबर को फोहर। आपके बीच में ये सब पॉइंट नहीं बता पाया क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में। सबसे पहला कचरा है अन्य भाषा, सबैभन्दा पहिलो फोहर को रूप में अन्य भाषा नंबर वन कचरा, एक नंबर को कचरा, एक नंबर को फोहर। पास्टर डैनियल, पास्टर दानियल, क्या आप होली स्पिरिट के गिफ्ट को कचरा बोल रहे हैं? पास्टर दानियल, के तपाई पवित्र आत्मा को दानलाई फोहर भन्दै हुनुहुन्छ? न न न न न होइन होइन होइन, हम इसके गिफ्ट को कचरा बोल रहे हैं। हामी शैतान को वरदान को लागि चाहिँ हामी कचरा भन्दै छौं। जीसस का गिफ्ट को कचरा कैसे बोल सकते हैं? येशू को वरदानलाई हामी कसरी फोहर भन्न सक्छौं? अरे हैन, बस समझ में, फेसबुक और यूट्यूब वालों, फेसबुक और यूट्यूब में उनीहरुलाई सम्झदै हुनुहुन्छ नि? तुम कहते हो कि डैनियल राज गलत है, तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ कि दानियल राज गलत छ। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? म गलत कसरी हुन सक्छु? मैं तो मण्डली को साफ कर रहा हूं, म त चर्चलाई सफा गर्दै छु। और मेरे पास साफ करने का वेपन कौन सा है? मेरो मसँगलाई सफा गर्न लागि मसँग के छ? मेरे पास में साफ करने का वेपन है ये, मसँग साफ गर्ने को सामान अथवा भाँडो चाहिँ ये झाडु चाहिँ बाइबल हो, झाडु बाइबल हो। आपको ओपन चैलेंज है मेरा, म खुल्ला म चैलेंज गर्दछु। जिस जिब्रिश को तुमने चर्च में डाल दिया है ना कचरा बोल के, जुन जिब्रिश अन्य भाषालाई कचरा को रूप में अथवा फोहर को रूप में चर्च भित्र डाल, मेरे हिसाब से वो कचरा है, मेरे हिसाब से वो कचरा है, दानियल के हिसाब से कचरा है। हाँ, इसमें से प्रूफ करो, बाइबल बाट प्रमाणित गर्नुस्। अगर इसमें से प्रूफ हो गया, इस बाट प्रमाणित भयो भने मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे प्रीचिंग करना छोड़ दूं, म यूट्यूब र फेसबुक बाट प्रचार गर्न छोडिदिने छु। आमेन आमेन। अगर इतनी ओपनली इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैंने स्टडी किया होगा ना, यदि खुला संग चैलेंज दे रहा मैं तो बोल ना सकता हूँ, मैं अध्ययन करेगा होला ना। Come on, yes or no? बोलना सर। पास्टर रोशन, पास्टर रोशन, फर्स्ट डे से जब से हम नेपाल में आए, पहले दिन देखी ये क्या बोल रहे हैं पता है? मैं के भन्दै हुनुहुन्छ था? मैं खुद जीपीएस हूँ, मैं खुद अन्य भाषा बोलने व्यक्ति हूँ। जीपीएस, हम बोलते थे ना लोकेशन भेजो, तो आप डायलॉग क्या मारते थे? आप बोलते थे डैनियल भाई मैं खुद ही जीपीएस हूँ। अरे ये भी तो बोले थे, ये भी तो बोले थे, अभी भी बोले थे कल परसों। जी जी, इनको लोकेशन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही जीपीएस है। यू अंडरस्टैंड? बुझने हुआ है? इनको नेपाल का पूरा गली गली मालूम होगा। मैं यहाँ के सिखा सकता हूँ? यदि मलाई सबै कुराहरु यहाँ नेपालको बारेमा सबै कुना कुना थाहा छ भने के मलाई दानियल राजले आएर सिकाइरहनु पर्छ? म आके सिकाऊ इनको, वहाँ आएर मलाई सिकाउनु पर्छ? रोशन जी, ऐसा है कि नेपालका रास्ता ऐसा नहीं ऐसा है। रोशन जी, यहाँबाट होइन, नेपालको बाटोहरु यताबाट चाहिँ जानुपर्छ। मैं इनको सिका सकता हूँ? उहाँले मलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ? मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो म भन्दैछु। जो जिब्रिश गलत है, जुन अन्य भाषा गलत छ, वो गलत है, गलतै हो, और वो कचरा है, वो फोहर हो। इसने लेकर आया, कसले लेकर आएगा था? दुष्ट ले ले रहा है, होरा बारा 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 जो भी बोलते हैं ये लोग, सुना है कि नहीं सुना है? सुन्दे हुनुहुन्छ नि? सुनि हुन्छ। और इसको कहते हैं सीखो, कम यहाँ र मण्डलीलाई भन्छ यो भाषा सिका, इसको कहते हैं सीखो र मण्डलीलाई भन्छ सिका, र कानमा आएर फुसफुसाउँछन्, र कानमा आएर भन्छन् सिका सिका, और इसको कहते हैं मुख खोलो मुख खोलो, र मण्डलीलाई भन्छन् मुख खोला मुख खोला खोला, ए भाई इसको शूट कर, सीखो सीखो र सिका सिका सिका। मैं आपको बताऊं, म तपाईलाई भनौ, विश्वासी हो या अविश्वासी, विश्वासी हुनुहुन्छ या अविश्वासी हुनुहुन्छ, ओपन चैलेंज है, खुल्ला चैलेंज छ। सड़क पे खड़ा करके किसी को बोलो, ब्रदर एक मिनट रुको मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ, बड़ 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 बोलो, वो पक्का बोलेगा। यदि सड़क में उभर कसाई रोके भाई भाई बड़बड़ करना थाले पक्की भाई के जी, जिसको ये लोग कहते ना होली स्पिरिट का गिफ्ट है, वो अविश्वासी को भी आ जाएगा। र ये जसले चाहिँ यो हो पवित्र आत्माको वरदान हो भन्छन् त्यो अविश्वासी व्यक्तिहरुले पनि त्यसलाई बोलेका हुन्छन्। आप भी कभी प्र्याक्टिस करो आपको भी आ जाएगा। यदि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले पनि बोल्नुहुन्छ। पास्टर रोशन जी, पास्टर ने कहा कि आप पहले बोलते थे जी, क्या आप समझते थे? नहीं। तो फिर बोलते क्यों थे? बोलने के लिए कहते थे।
एग्जैक्टली आपको किसी ने सिखाया? तब बोला, और आपको पता 90% मूर्ख लोग भर गए इसके अंदर, 90% अफ्रीका से, अमरीका से, भारत से ऐसा बात करते हैं, ना उनको समझ में आता है ना उसके पड़ोसी को। यस्तो कुरा गर्छन्, ना बोल्ने व्यक्तिले बुझ्दछन् न त सामुनेको व्यक्तिले बुझ्दछन्। अच्छा, ऊपर से क्या बोलते हैं र माथिबाट के भन्छन्? ओके, सब लोग ठीक है? सबै जना ठीकै हुनुहुन्छ? सिक रहे ना कुछ? सिक रहे हुनुहुन्छ नि केही हैन? मैं जल्दी खत्म करूंगा। हां, म छिटै सिधै आउँछु है। अब 4 बजे ओके। ऊपर से कहते हैं आप जो बोलते हो आपको समझने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब समझता है। र माथिबाट भन्छन् तपाईले बुझ्नु पर्दैन, सबै कुरा माथिबाट बुझिहाल्छन् नि। परमेश्वर अगर समझता है तो वो हमको क्यों दे रहा है? यदि परमेश्वर ले बुझ्नु हुन्छ भने हामीलाई किन दिइरहनु भएको छ? अगर हमको दे रहे हो, यदि हामीलाई दिएको छ भने तो हमको समझाओ र हामीलाई बुझाउनुस्। नथानियल कम हियर, ये क्यों आया? यहाँ किन आउनु भो? कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। कम हियर, कम, इसको आती है, वापस जा, फर्केर जाओ। ये फिर गया, फिर गया। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? हिंदी में। हिंदी में इकड़े ये, मराठी में, मराठी में अकड़ भो, तेलुगु। इसको अगर नहीं समझ आती बैठ जा, अगर इसलिए न बुझदैन थियो भने, अगर इसको नहीं समझ आती इसलिए यदि बुझिन बुझदैन भने, ये हरकत करता, यो कुनै चलफल गर्थ्यो त? अभी मेरे को प्लीज बता, रोशन जी जो पहला बोलते थे इनको खुद को नहीं समझ आता था। अच्छा, इनकी पत्नी भी शायद परेशान होती, क्या बोल रहा है रे भाई तू। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं कचरा। रेसलाई भन्छौ फोर। कलिसिया को कन्फ्यूज नहीं करना है र कलिसियालाई चाहिँ कन्फ्यूजन में पूछो क्यों ना हाल्नुस्, क्योंकि आपका जीसस भी कन्फ्यूज नहीं करता, किनकि येशूले पनि कसैलाई चाहिँ कन्फ्यूजन में हाल्नु हुन्न। वो स्पष्ट है एकदमै, येशू प्रश्न हुनुहुन्छ, येशू स्पष्ट हुनुहुन्छ। वो बिल्कुल स्पष्ट है, यीशु चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुनुहुन्छ। तो लिखा है ना, अ गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन। हाँ, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर चाहिँ गड़बड़ी को परमेश्वर हुनुहुन्न, गोलमाल को परमेश्वर हुनुहुन्न। क्या चल रहा है आजकल? के चलिराखेको छ? कलिसिया को खचरा खिला रहे हैं, कलिसियालाई फोहोर खिलाउँदैछन्। सिस्टर कम इधर, घूम जाओ बेटा, ऐसे घूम जाओ, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, आप उसके पीछे, मैं जैसे ही धक्का मारूंगा उसको पकड़ लेना, और मेरे को पता है पकड़ लोगे, और आपको डरना नहीं है, उसके ऊपर भरोसा करो, ठीक है? हॉस्पिटल बाजू में है, प्लीज हाँ इज्जत रखो। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? आज बोली के हुँदैछ तपाईले हेर्नुलाई, जो मंडली पवित्र आत्मा से पहले से भरा है, जुन चर्च मंडली पवित्र आत्मा पहिल्यैबाट भरिएको छ, कहते हैं पवित्र आत्मा, पूरा नीचे गिरा दो, नीचे गिरा दो, र भनेर यसरी गर्छन् कि अब पवित्र आत्मा लेऊ भनेर गिराइदिन्छन्। ओके, ऐसी लेटे रहना बेटा, ये नीचे गिर के क्या साबित किया? यो तलक लडेर चाहिँ के चाहिँ प्रमाणित गर्नुभयो? आत्मा से भर गया, आत्माबाट भरिएको। अभी आत्मा से अगर भर गया, यदि आत्माले भरिनुभयो भने, तो उधरी खडी रहो, वापस आओ सिस्टर, सिस्टर इधर बेटा, इधर आ, बस आप फिर पीछे। अभी मेरा मीटिंग में मैंने गिराया, अहिले मेरो मिटिङमा उहाँले गिराउनु, अभी रोशन साहबका मिटिङ आयो, दोस्रो अब दोस्रो अर्को मिटिङ आउँछ, फिर ये भी गिरा रे, ठप्पा ठप्पा नीचे गिर जा, प्रभु से नीचे गिरियो। सिस्टर साइड 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 साइड, अभी इसको क्या हो गया? अब इसको क्या, पहिलो मिटिङमा पनि लडेको थियो, दोस्रो मिटिङमा पनि लड्यो, आत्मा से भर गया, फेरि आत्माले भरियो। ओके, ऊपर 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 ऊपर, अभी दूसरा मिटिङ, फेरि अर्को तेस्रो, दुई महिना पछाडि फेरि अर्को मिटिङ भयो, ये तो शैतान है। हां, कम, तीसरा मिटिङ, तीसरा मिटिङ भयो, मेरो प्रश्न छ, आत्मा से कितनी बार भर्ना है? आत्मा से कति पल्ट भर्ने? एक पल्ट, एक बार, एकै पल्ट भर्ने। पवित्र आत्मा कब आया आपके ऊपर, मेरे ऊपर? पवित्र आत्मा कहिले आउनुभयो तपाईं माथि र म माथि? जब हमने उद्धार पाया, जब हामीले उद्धार पायौं। बेटा ऐसे रुकना, आज आप सो सकते हैं आराम से, ओह सॉरी, आज आप सो सकती हो, सो जाओ, मैं आपको आराम से उठाऊंगा। ओके, इसको पढ़ो, इधर 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 लिखा है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो पवित्र आत्मा कब आता है? विश्वास करते ही, बोलो, विश्वास करते ही, हमें पवित्र आत्मा कहीं नहीं पाए, विश्वास करते ही,
यही तो लिखा है इंग्लिश में, लिखा है ही सेड टू देम डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट व्हेन यू बिलीव्ड, व्हेन यू बिलीव्ड। तो होली स्पिरिट कब आता है? जब पवित्र आत्मा कहिले आउनु भयो? व्हेन यू बिलीव, जब तपाईले विश्वास गर्नुभयो। वाओ, यू अंडरस्टैंड, ये बुझ्दै हुनुहुन्छ? अभी एक्ट्स 2:4 लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से, जिस प्रकार उन्हें आत्मा ने बोली की सामर्थ्य वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, ग्लोसा नॉट जिब्रिश, वहां सामर्थ्य दिनु भयो र उनीहरूले अन्य अन्य भाषा यानी कि पृथ्वीकै भाषा बोले, यो चाहिँ जिब्रिश भाषा बोलेका होइन। थैंक यू। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा आ गया, सबैभन्दा पहिला पवित्र आत्मा आउनु भयो। तो जब पवित्र आत्मा आ गया तो ये बार बार गिरती क्यों है? जब पवित्र आउनु भयो भने पटक पटक इने किन लड्दै छिन्? सुन्नुस आन्सर मी, क्यों गिरती है? उनी किन गिर्छन् तपाईले उत्तर दिनुस्। इसको कौन गिरा रहा है? यसलाई कसले गिराइराखेको छ? ये देखो, ये हाथ करके भी आ रहा है। बहुत ईमानदार है, लेकिन नाम है शैतान। ईमानदार है, ऊपर से ईमानदार है, नाटक चल रहा है। ये गिराता है इसको, पूछो कैसे, सोध्नुस् कसरी। पास्टर डेनियल, हमको प्रूफ करो कि शैतान गिराता है। पास्टर डेनियल, प्रमाणित गर्नुस् कि यो शैतानले गिराएको भनेर। गेट रेडी, वेयर इज योर बाइबल? रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9, लूसिफर, फिर पहला नेपाली फिर हिंदी, रेवलेशन 12:9, प्रकाशित 12:9। त्यो ठूलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने डियाबोलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू फ्याँकियो। फ्याँकियो, फ्याँकियो मतलब गिरा दिया गया, फ्याँकिनु, डराउनु। ये पढो हिन्दी। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इधर देखो, गिरा दिया गया। तो लूसीफर का काम क्या है? तो शैतान का काम। बहुत सही जवाब सिस्टर, कम। लूसीफर का काम क्या है? गिराना, गिराना। यीशु का काम क्या है? यीशु को काम क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु खुद उठा है। एक्स चैप्टर 2 वर्स, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8:18, एक्स 1:8, एक्स 1:8। सब लोग ठीक है? सब जाना ठीक है? हुनुहुन्छ अब? ठीक है, अब अहिले ठीक हुनुहुन्छ? या या या, रीड रीड रीड, पढ्नुस् पढ्नुस्। ओके, 1:9। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया। एक सेकेंड, तो यीशु उठता है, शैतान गिरता है। तो यीशु मा उठिन्छ र शैतान मा गिरिन्छ। ब्रदर, रीड रीड 1:9, 1:9, 1:9। एक्स, हाँ, प्रेरित 1:9। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। उभो उचालिनु भयो, उठा लिया गया। लुसिफर गिरा देगा, बोल सकते हैं हिंदी में, यीशु उठा लिया गया, लुसिफर गिराया गया। तो इसको कौन गिरा रहा है? तो शैतान कौन गिरा? आप लोग कभी गिरा था? तो पहले इसलिए मत ही कोई विचार कर लो, पहले गिरा होगा, आपने भी तो गिराया होगा, राइट सिस्टर? ठपाक 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 ठपाक, अभी गिरा देखा आपने? ये सही है या गलत है? गलत। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ते तो मोपनी बात है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ चर्च है? यहाँ कुने ऐसा चर्च है जसरी सरी सेवा कर जाके कछ? अगर ऐसा कोई गिराता है, ऐसेरी कसैले लडाउँछ भने, और मैं जानता हूँ कि ऐसा प्रीचर को सिस्टर और पास्टर नहीं बुलाएगा, मैं जानता हूँ। र हामी जस्तो शिक्षकहरूलाई कसैले बोलाउँदैन, ये ठपाक वाले को नहीं बुलाएंगे, र इस ठपाक वालालाई बोलाउँदैन। कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? थैंक यू ब्रदर सिस्टर, आप बैठो। धन्यवाद, वेरी नाइस। मैं आ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। पास्टर डेनियल, पास्टर डेनियल, पास्टर डेनियल, आपने कहा कि लुसिफर गिराता है। तपाईले भन्नुभयो कि लुसिफरले गिराउँछ। ओके, वो कैसे गिराता है? उसले कसरी गिराउँछ? क्या उसके पास में कोई ऐसा पावर है कि उसको कुनै यस्तो शक्ति छ? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्लीज, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। और एक बजे खत्म करूँ? एक बजे, ओके, एक बजे सिस्टर, 1:00, ओके, थैंक यू। अभी लेट हो गया हम लोग, ओके, एक चाय बनाओ फिर, मजाक कर रहा हूँ। फोकस किया, यहाँ कितना यीशु है? यहाँ कतिवटा यीशु छ? दूसरे यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। दुईटा यीशु, दुईटा आत्मा र दुईटा सुसमाचार। ये कौन ला रहा है? यो कसले ल्याएको? इसको कौन लेके आ रहा है? यसलाई कसले लिएर आएको? शैतान, शैतान। तो शैतान ने चर्च में दो यीशु लाया है।
शैतानले चर्चमा दुईवटा येशूहरू लिएर आए, सरी दूसरा येशु लाया, दूसरा येशु लिएर आए, एक है ओरिजिनल, एउटा हो ओरिजिनल, दूसरा है डुप्लिकेट, र अर्को चाहिँ हो डुप्लिकेट, डुप्लिकेट आजा धोई आजा डुप्लिकेट, ये है डुप्लिकेट, ये देखो ये है डुप्लिकेट येशु, अभी इसका थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो प्योर हो जाएगा, ये है डुप्लिकेट, प्लीज कम, ये है ओरिजिनल, एकजना से डुप्लिकेट र अर्को कन्फ्यूज होगी, मंडली कन्फ्यूज भयो, सही जवाब, कलीसिया कन्फ्यूज होगी, र मंडली कन्फ्यूज भयो, कलीसिया कन्फ्यूज नहीं होने के लिए क्या करना है, र मंडली कन्फ्यूज नहुनको लागि के गर्नु पर्छ, क्या करना है, के गर्नु पर्छ, स्टडी, अध्ययन गर्नु पर्छ, स्टडी, अध्ययन गर्नु पर्छ, बाइबल का ठीक से स्टडी, बाइबल ला ठीक सँग पढ्नु पर्छ, आप लोग पढ़ते हैं बाइबल, तपाईहरु पढ्नुहुन्छ बाइबल, कितना पढ़ते हैं, कति पढ्नुहुन्छ, एक चैप्टर दो चैप्टर पांच चैप्टर, कितना, एक अध्याय दुई अध्याय चार अध्याय पांच अध्याय, आप अगर 10 साल का क्रिश्चियन है, यदि 10 वर्ष को क्रिश्चियन हुनुहुन्छ भने आपको कम से कम 30-40 चैप्टर पढ़ना है, कम से कम तपाईलाई 13 र 14 अध्याय पढ्नु पर्दछ, आपको पता, या थैंक यू ब्रदर, आपको पता है अभी सिस्टर ने क्या किया हमारे साथ, अहिले तपाईँलाई थाहा छ दिदीले हामीलाई सँग के गर्नुभयो, आपका जो पास्टर नि है क्या किया पता है हमारे, पास्टर ने दिदीले के गर्नुभयो, उन्होंने तो किया किया, पास्टर ने भी हमारे साथ में क्या किया, पास्टरले पनि हामीसँग के गर्नुभयो, हमको वो टेबल पे बिठाया, वहाँ टेबलमा राख्नुभयो, इतना बड़ा राइस का बर्तन लाया, यति ठुलो खानाले भरिएको भाँडा ल्याउनु, उसके बगल में चिकन, त्यसपछि चिकन पनि थियो, उसके बगल में सब्जी, सब्जी, फिर उसके बगल में एक और सब्जी, त्यस बगलमा अर्को सब्जी, और क्या था, फिर चटनी, चटनी, सलाद, र सलाद, फिर उसके बाद में दाल, दाल, बोलते खाओ, बोलते खानु, खाओ, खानुस, डाल रहा है टपक टपक, हाल्दै छौ, खाँदै छौ, आप नहीं समझा अभी भी, अहिले तपाईले बुझ्नु भएन, वो कहते हैं कि जितना खाओगे, उहाँले भन्नुहुन्छ जति खानुहुन्छ, आप नहीं, तपाई हैन, म चाहिँ के हुन्छु, बलियो हुन्छु, तो जब ये जानती हैं कि वहाँ जान्नुहुन्छ, उनके जो बच्चे हैं ना, वहाँको जो छोराछोरी हुनुहुन्छ, ऐसे ही बड़ा किया है, यसरी नै बढाउनु भएको हो, क्योंकि पेट को खाना चाहिए, पेटलाई खानु पर्दछ, तो आपका जो बाइबल है वो क्या है, तपाईको बाइबल त्यो के हो, रोटी, परमेश्वरको वचन रोटी, उसको अगर एक चपाती दो चपाती खाओगे तो पेट कैसे भरेगा, एउटा दुईटा खानु भयो भने कसरी तपाईको पेट भर्छ, तपाईले भरि खानु भयो भने खाओ 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 खाओ, तो आपको भी तो खाना पड़ेगा ना, तपाईलाई पनि खानु पर्छ, आप समझ गए सिस्टर, एग्जांपल, तपाईले सोच्नु भयो, तपाईले उदाहरणको लागि आपको खाना पड़ेगा, तपाईले खानु पर्दछ, जब तक नहीं खाओगे इसको नहीं पहचानोगे, जबसम्म तपाईले खानु हुन्न तबसम्म यो चाहिँ अर्को येशूलाई चिन्नु हुन्न, तपाईले ग्यारेन्टी देता हूं, म ग्यारेन्टी को साथ भन्दछु, 100% बोलता हूं, म 100% बोल्दछु, आपका मण्डली में ये नहीं है, तपाईको चर्चमा यस्तो छैन, आपका मण्डली में ओरिजिनल है, तपाईको मण्डलीमा ओरिजिनल छ, डुप्लिकेट छैन, क्यों क्यों किन किन, क्योंकि आपका स्टडी अच्छा है, तपाईको अध्ययन राम्रो छ, और ऐसे ही स्टडी अगर पूरे नेपाल में आ गया, अगर यस्तै अध्ययन यदि पूरे नेपाल में भयो भने नेपाल का 3 करोड़ प्रभु के पास होगा, नेपाल को 3 करोड़ मानिसहरु प्रभु में हुने छन्, राइट सर, ठीक हो सर, बैठ जाओ नकली, इस मंडली को लुसिफर ने दूसरा येशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार दे दिया, मंडली लाई अहिले दूसरा येशु, अर्को येशु, अर्को आत्मा र अर्को सुसमाचार, ओके, कौन है ये प्रीचर, को हो यो प्रचारक, ये कहां से आते हैं, यो कहाँबाट आयो, कहां से आते हैं ये, कहाँबाट आउँछ सर, यू अंडरस्टैंड, बुझ्दै हुनुहुन्छ, इस व्यक्ति को किसी ने पैदा किया है, यो व्यक्तिलाई कसले जन्मायो, ओके, अलग बेटा आप थका नहीं ना, पानी चाहिए, ये कहां जा रहा है, ओके, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बेटा प्रश्न सोध्न सक्छौ, क्या लुसिफर, हाँ, क्या लुसिफर शैतान स्वर्गदूत बन सकता है, कि लुसिफर शैतान स्वर्गदूत बन सकता, जोर से 50-50 या 100, गुड आंसर, कहां लिखा है, ये देखो कहां लिखेको छ, यो हेर्नुस, ये देखो लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरित हो, अपोस्टल्स का रूप धरने वाले, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों के साथ रूप धरे ट्रांसफॉर्म्ड, तो कुछ बड़ी बात नहीं, उनका अंत उनके कामों से होगा, तो लुसिफर सफेद दुपट्टा मिल गया, मिल गया, मिल गया, लुसिफर स्वर्गदूत बन सकता है,
त लुसिफरले स्वर्गदूतको रूप धारण गर्न सक्दछ। ये फ्रेश है हाँ, नहीं तो यह बेहोश हो जाएगा। तो पकड़ लेना स्वर्गदूत, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत बन सकता है जबकि ये शैतान है। जब शैतान स्वर्गदूत को रूप धारण करना, ये स्वर्गदूत बन गया, स्वर्गदूत बन सकता। क्या कलीसिया धोखा खाएगी? क्या कलीसिया धोखा खाँच? कलीसिया खाएगी, खाइन्छ, लेकिन कब नहीं खाएगी? तब कहिले खाँदैन? जब उसके पास स्टडी होगा, जब उसके पास अध्ययन हुन्छ। लुसिफर को हम कैसे पकड़ेंगे? लुसिफर लाई हामी कसरी सम्हाल्न सक्छौं? उसकी बातों से, उसको कुराबाट। क्योंकि लुसिफर प्रभु की महिमा कभी नहीं करेगा। क्योंकि शैतानले परमेश्वरको महिमा कहिले गर्दैन। अगर थोड़ी देर के लिए किया भी तो आपको इरिटेट होगा। यदि तपाईले थोरै समय मात्र गरे भने पनि तपाईलाई किसिमको, आप उसको ऐसे पकड़ लोगे। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? तो लुसिफर अगर बन सकता है, यदि लुसिफर स्वर्गदूतको रूप धारण गर्न सक्छ भने, अगर लुसिफर बन सकता है, लुसिफर शैतान स्वर्गदूतको धारण गर्न सक्छ भने, लुसिफर अगर बन सकता है, पीछे लुसिफर स्वर्गदूतको रूप धारण गर्न सक्छ भने, तो उसके जो सेवक है वो भी तो बन सकते हैं। कि उसको सेवक पनि त रूप धारण गर्न सक्छन्। ये कौन है? र यो को हो त? ये कौन है? ये को? दानव, दानव, नेफेलिम्स, नेफेलिम। क्या ये थे पृथ्वी पे? ये दानापुर थे पृथ्वी? ये लास्ट पार्ट है मेरा, लास्ट पार्ट है, ये अंतिम भाग। ये पृथ्वी पे थे? ये पृथ्वी में थे? यस। इसको किसने बनाया? तो इसलिए कसले बनाया? ये देखो, मनुष्यों की पुत्रियों ने, माफ करना, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो दानव बन जाते, वो दानव होते थे। परमेश्वर को छोरा और मनुष्य का छोरी जब विवाह हुन्थे उनीहरुको सम्बन्धबाट जन्मेका दानव बनेका थिए। Who are the sons of God? कौन है वो? इनीहरुको एंजल्स, इनीहरु चाहिँ झुटा स्वर्गदूतहरु। वो एंजल्स कौन है? वो एंजल्स कौन है? यो स्वर्गदूत को हो? Fallen angels? यो खसालिएका स्वर्गदूतहरु, जो नीचे फेक दिए, यो फ्याँकिएका स्वर्गदूतहरु। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाप रे। तो लुसिफर ने जेनेसिस चैप्टर 6 में ऐसे दानव पैदा किए थे, तो लुसिफर 21st सेंचुरी में ये क्यों नहीं पैदा कर सकता? जब नुहा को समय में जसरी चाहिँ लुसिफरले ये दानव रूप जन्मन सकेको छ भने, अहिले यो 21 शताब्दी में हामीले हेर्यो भने कसरी चाहिँ मण्डली भित्र शैतान जन्मिन सक्दैन? ये कौन है? फॉल्स प्रीचर। आप देखो पूरा ऑक्युपाई किया हुआ है, कब्जा शैतान है। उसके मुंह से क्या निकल रहा है? कबूतर, झूठा प्रचार करो। दूसरा वाला पवित्र आत्मा, और को पवित्र आत्मा लिए रहेका छन्। तो ऐसा प्रीचर कलिसिया को कन्फ्यूज कर सकता है, र यस्तो प्रकारको झूठो प्रचारकहरूले मण्डलीलाई के धोका खा सकती है, दुविधामा पार्न सक्छन्, ये प्रोफेसी में फस सकती है, ये अन्य भाषा अगमानीमा फस्न सक्छन्। ऐसा प्रीचर मिरेकल्स कर सकता है, यस्तो प्रकारको प्रचारले चमत्कार गर्न सक्छन्। तेल पानी रुमाल, तेल पानी रुमाल कर सकता है, सबै बेच्न सक्छ, यहाँ तक कि मुर्दे जिन्दा कर सकता है, यहाँ से कि मरेका मुर्दाहरूलाई जिउँदा गर्छन्। आपको प्रूफ चाहिए? तपाईलाई के प्रमाण चाहियो? आपको प्रूफ चाहिए? तपाईलाई प्रमाण चाहियो? थोडा उधर चाहिए बेटा, आपको मैं अभी प्रूफ देता हूं। ये तपाईलाई म अहिले प्रमाण दिन्छु। मिनल, रीड दिस ऑन माइक, इसको पढो। क्योंकि क्योंकि अधर्म का भेद शैतान अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। एक सेकंड, कौन सी सामर्थ? झूठी सामर्थ, फॉल्स पावर, फेक पावर। मुर्दे जिंदा होते हैं, मुर्दाहरू जीवित हुन्छन्। मेरी तरफ कर, पंजाब के अंदर, मेरी तरफ कर, पंजाब के अंदर, वो चाहे चंडीगढ़ हो या फिर आपका जलंधर हो या फिर आपका कर्नाटका हो या फिर आपका अफ्रीका हो, जितने भी मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स अगर होते हैं उसके पीछे अगर चर्च प्लांटिंग होता है वो मिरेकल सही है, अगर किसी का सेल्वेशन होता है वो मिरेकल सही है, लेकिन अगर नाटक चल रहा है क्रिश्चियंस के बीच में और वो भी मिरेकल्स करते हैं पैसे लेके, वो शैतान की ओर से है। पास्टर डेनियल, क्या आपने कभी मुर्दे जिंदा किए? इस हाथ ने 5 मुर्दे जिंदा किए। मैं ढोल नहीं पीटता कि मैंने मुर्दे जिंदा किए। और आप लोग जो सेवा कर रहे हैं ना, आप लोगों ने भी तो किए। ब्रदर ने प्रार्थना किए, लोग ठीक हुए, लेकिन हमने ढोल पीटा है क्या? ओहो, दूसरे ये लोग क्या कहते हैं पता है? कुछ विचित्र लोग हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कहते हैं कि डेनियल जी आप तो सिर्फ बात करते हैं, पावर में आओ। तो बेटा तू पावर में आकर फिर बेच क्यों रहा है? हाथ रखने का 25,000, प्रार्थना करने का 15,000, और ऊपर से जो तुम प्रार्थना करके तेल पानी बेचते हो उसका रेट क्यों लगाते हो? जीसस ने कब बोला रेट लगाओ?
एग्री हुनुहुन्छ आपको समझा बुझ्दै हुनुहुन्छ लुसिफरले यी सबै कुराहरू गर्दछन् तो ऐसे लोग झूठी सामत के साथ काम करते हैं यस्तो मानिसहरू झूठा सामत को साथ काम करते हाम्रो बीचमा आउन सक्छन् फिनिश धन्यवाद फिनिश थैंक यू सर फिनिश या कैसा लगा कस्तो लाग्छ आपने कुछ समझा टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तपाईले बुझ्नुभयो सबै सन्दर्भ चाहिँ मैं यहाँ क्यों आया हूं म यहाँ किन आएको आप सोचिए मैं क्यों आया हूं तपाईं सोच्नुस् मलाई किन आउनु यो बात बताउने के यही कुरा तपाईलाई बताउन आएको क्या आप चाहते हैं कि पूरा नेपाल बचे कि तपाईं चाहनुहुन्छ कि पूरा नेपाल बचेको यस यस पास्टर रोशन के साथ पास्टर रोशन सँग मैं म काम करना चाहता हूं काम गर्न चाहन्छु ठीक है मुझे नेपाल के बारे में नहीं पता मलाई नेपालको बारेमा थाहा छ आप रोशन के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर नेपाल को बचा सकते हैं कि मसँग हाथ को हाथ मिलाकर नेपाल बचाउन सक्छ आपका चर्च वही रहेगा तपाईको चर्च त्यही हुनेछ इनका चर्च भी वही रहेगा मेरो चर्च पनि त्यही रहनेछ मेरा चर्च भी वही रहेगा पास्टर दानिल का चर्च भी वही रहनेछ I'm not talking about churches हामी चर्च लाई चेन्ज गर्दैन I'm talking about his church हामी त्यहाँको शिक्षा र पुरालाई हामी बदलाव गर्नेछौ his church उसका चर्च यसको चर्च उसका एक ही चर्च है यूनिवर्सल संसारमा वहाको एउटै मात्रै चर्च छ क्या हम काम कर सकते हैं हामी काम गर्न सक्छौ तो ये सच्चाई बोलना शुरू करो यही साँचो कुरा बताउनलाई आपको जो भी क्रिश्चियन मिलता है प्रभु का लोग नेपाल में तपाईलाई जुनै पनि ख्रिस्ट विश्वासीहरु तपाईले भेटाउनु हुन्छ उसको सबसे पहिला पुछो तपाई सबैभन्दा पहिला सोध्नुहोस् जिब्रिश बोलता है तो क्यों बोलता है अन्य भाषा बोल्नु हुन्छ भने तपाईले किन बोल्नु हुन्छ उसको वजह क्या है उसको कारण के हो